हाय गाइस, वेलकम वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक, वेलकम बैक। या कैमरा अच्छे से सेट है। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। अभिषेक भाई वेलकम, वेलकम अभिषेक भाई, वेलकम वेलकम अभिषेक भाई, वेलकम आर्य भाई, वेलकम विश्वनाथ भाई, वेलकम भाई लोग, वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी आपके कॉमेंट्स तो मैंने पढ़ ली से करा लाइव स्ट्रीम। या फर्स्ट मैच आर जी आया ब्रो, इसीलिए मैं आ गया। मेरे भाई इसलिए मैं आ गया, चेक किया मेरा पहला मैच किसका है। तो ये देखो इधर ही है, आई थिंक तो मैट सी में अपना पहला मैच है मेरे भाई। मैट सी में अपना मंगल कादियान का पहला मैच है। वो तो ठीक है मेरे भाई, वो तो ठीक है, बट हाँ ना। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, अरे यार ये सही रह जा, ठीक है बढ़िया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ये रह गया, चलो ठीक है। इससे ज्यादा तो सबको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। चलो वैसे ठीक है बढ़िया। पहला मैच अपना ही है या ब्रो? या पहला मैच अपना ही है या गाइस? इसको थोड़ा मैं आवाज नहीं आ रही क्या दोस्तों? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही गाइस, आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आई थिंक सो आनी चाहिए, अब आई थिंक सो आनी चाहिए, अब आई थिंक सो आनी चाहिए। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चलो ठीक है। या फिर मैंने प्रीव्यू विंडो पे चेक कर लिया है। नाउ इट्स ओके गाइस, आ रही है या ब्रो? या ठीक है, ना मैचेस पे चलते हैं दोस्तों। अभी उस पहला मैच किसका है? मैट ए में तो अपना उज्बेकिस्तान श्रीलंका का मैच है। मैट ए में तो भाई अपने अपने मैट ए में अपना मैच कोई है कि नहीं? अब बहुत लेट है यार, बहुत लेट है। क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है, वो भी कुमार अनिरुद्ध का मैच होने वाला है क्वार्टर फाइनल मैट ए में। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अगर बात करूँ मैं अपकमिंग मैचेस इन मैट भी, यश का मैच होगा, थर्ड मैच यश का होने वाला है। पहले तो हमारे बहुत सारे क्वालिफायर्स है यार, पहले तो भाई हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा बहुत सारे इवेंट में। इंडिया ऑन टॉप इन टीम रैंकिंग आफ्टर डे वन इन मेंस टेस्ट है, इंडिया टॉप इन टीम रैंकिंग आफ्टर डे वन इन मेंस। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया मेरे भाई। हाय हाय विश्वनाथ भाई, हाय विश्वनाथ भाई, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। इंडिया ऑन टॉप इन रैंकिंग आफ्टर डे वन मेंस फ्री स्टाइल, ओके मेंस फ्री स्टाइल में हम नंबर वन है। ओके 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 ओके, या ब्रो मैं वही बोला, इंडिया नंबर वन पे कब आ गया? सॉरी फॉर अरे लेट काफी हुआ मेरे भाई, लेट अब तक नहीं हुआ ब्रो, डोंट वरी मेरे भाई, डोंट वरी, लेट नहीं हुआ मेरे भाई, लेट नहीं हुआ है। या ये ठीक है, ये अपना लाइव स्ट्रीम का यहाँ पे चलेगा। नाउ नाउ इट्स ओके, 9 बज चुके हैं दोस्तों अभी सुबह के। पहला मैच विल बी रेडी। काम करता हूँ सुबह अपना, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर थोड़ा ऑफ कर देता आज 2:10 को। आर्चरी आज नहीं हो पाएगा मेरे भाई, आज आर्चरी नहीं हो पाएगा मेरे भाई, आज आर्चरी नहीं हो पाएगा ब्रो। डिस्प्ले कैप्चर ऑफ, या नाउ नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन दोस्तों, नाउ इट्स, आप दोस्तों आपको भी अच्छे से देखने मिलेगा। मस्ती भाई वेलकम। आज आर्चरी नहीं हो नहीं पाएगा मेरे भाई, आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ ब्रो, आज पैराबैडमिंटन में फाइनल्स वो तो हो जाएगा मेरे भाई, पैराबैडमिंटन देख लेंगे रात को। बट हमारा मेरा ये यार शादी है मेरे भाई, तो कल रात को अगर शूटिंग का स्ट्रीम नहीं देखा तो देख लो यार उसमें कितना म्यूजिक आवाज आ रहा था। तो यार ब्रो इंडियन टॉप इन मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में 95 पॉइंट्स। या ब्रो अभी अपने अभी अपने भाई ने बताया यार, अभी अपने भाई ने बताया, एक सेकंड यार भाई साहब, चलो ठीक है। गोन WWE साइट, अरे यार अभी अपना मैच शुरू हो जाएगा मेरे भाई, अभी अपना मैच शुरू हो जाएगा ब्रो, बिकॉज अभी 9:02 हो चुके हैं ना मेरे भाई, अभी अपना मैच शुरू हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस मैच के बाद देखते हैं मेरे भाई, इस मैच के बाद देखते हैं, बिकॉज समय तो भी हो चुका है मेरे भाई, समय तो हो चुका है यार, 9:02 तो बज चुके हैं ब्रो। तो ये वाले मैच के बाद देखते रहो, ये वाले मैच के बाद देखते हैं मेरे भाई। तो यार ओ राम जी की चाल देखो, आंखों में उराल देखो, और दिल से दिल संभाल देखो, आंखों की तलवार देखो। हाय हर हर में खुजली बहुत आ रही है मेरे, यार बहुत खुजली आ रही है, चलो कोई नहीं। ठीक है
या नाउ इट्स गेट्स फाइन, नाउ इट्स गेट्स फाइन। अरे वाह, गो WWE से इंडिया मैच ऑन मैट सी। पता है ब्रो, शाम को भी मैं भी शादी में जा रहा हूँ फ्रेंड की, 6 बजे। मैं तो शाम को नहीं, मेरे मैं तो अपना दोपहर को जा रहा हूँ कादियन मैच एट सी। या ब्रो, या मैं वही देख रहा, मैं अपन वही देख रहा। एक सेकेंड, अबे लैग क्यों खा रहा है मेरे भाई, अबे लैग क्यों खा रहा है यार, अबे लैग बहुत खा रहा है। चलो गाइस कोई नहीं, ठीक है। तो पहला मैच आज के दिन था दोस्तों, पहला मैच मंगल कादियान का दोस्तों मैच हो रहा है। मंगल कादियान का मैच में क्वालिफिकेशन मैच है, ये क्वालिफिकेशन मैच है इसके। तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर के साथ मैच है उसका, तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर के साथ मैच है। लेट्स सी, देखते क्या करता है वो। कम से क्वालिफाई तो हो ही जाएगा यार, क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे हम लोग। क्वालिफाई के इतने कैसे मुझे मानने लग नहीं रहे, क्वालिफाई तो हम हो ही जाएंगे। यस लो गाइस, मैच हैज बीन स्टार्टेड गाइस, मैच हैज बीन स्टार्टेड। देखते क्या होता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग का दोस्तों 61 कैटेगरी का दोस्तों क्वालिफाइंग मैच है अभी यार। देखते क्या होता है, मंगल कादियान वर्सेस तुर्कमेनिस्तान। लेट्स सी क्या होता है अभी। चलो चलो उठा पटक दे, नहीं नहीं बच गए ठीक है। कोशिश अभी अभी थोड़ा तो, इंडिया इंडिया ने थोड़ा एग्रेसिवली दोस्तों स्टार्ट किया वाले मैच में यार। मंगल का दिन अभी, और अभी भी एक अभी कोशिश क्या की थी यार तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर ने यार, फॉल डाउन कराने की, बट गए उसमें वो सफल रहा नहीं, टेक डाउन करने में सफल नहीं रहा। पर देखते अभी क्या होता है। लेट्स सी मंगल कादियान, और भी कुछ एक वार्निंग अभी मिलती हुई यार, अभी मंगा एक वार्निंग मिलती हुई। चलो एक पहली वार्निंग दोस्तों भी मिलती हुई तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर को। आई थिंक सो उंगली पे थोड़ा कुछ तो कर रहा था यार, जीता दोस्तों मैंने देखा तो यार। लेट्स सी देखते क्या होता है, कम ऑन। अब अपना इस अपना मंगल का दिन स्प्लिंग वेरी एग्रेसिव यार दोस्तों, बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है। बस अब तो उसको पॉइंट मिले नहीं, पर पॉइंट तो मिल जाएंगे यार, पॉइंट तो अगर वो ऐसे ही खेलता रहेगा दोस्तों उसको पॉइंट मिल जाएंगे। पर उतनी अच्छी डिफेंस भी किया तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर ने, पर अभी यहाँ पे एक टेक डाउन हो जाएगा दोस्तों। चलो स्टार्टिंग है, उसको भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे इंडिया को। टू लव गाइस, टू लव। अभी यहाँ से स्पिन देखते कितने कर पाता है मंगल का ध्यान। लेट्स सी ग्रिप बनाने, अभी चेस्ट के ऊपर गाइस ग्रिप बनाने की कोशिश। पर चलो अभी अंपायर ने सेंटर से फाइट स्टार्ट करने को बोला है, तो यहाँ पे दोस्तों भी स्पिन नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी डिफेंडिंग अभी आती हुई गाइस यार फ्रॉम गाइस तुर्कमेनिस्तान, और गाइस इंडिया का अच्छा दोस्तों टेक डाउन। लेट्स सी देखते गाइस अभी हम क्या करता है। और ये अभी आई थिंक सो पैसिव डिक्लेयर हो जाएगा यार, अभी ये पैसिव डिक्लेयर हो जाएगा यार। सो हो चुका है दोस्तों, अभी पैसिव हो चुका है डिक्लेयर यार तुर्कमेनिस्तान का प्लेयर दोस्तों। अभी सो अगर दोस्तों 30 सेकंड के अंदर जो पॉइंट लेता नहीं है तो आपको पता ही यार, अपने इंडिया को एक पॉइंट मिल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इंडिया को ही पॉइंट मिलेगा। अभी अभी इंडिया अटैक करता हुआ यहाँ पे चांस है। अरे यार बैक अच्छी दिख गई थी यार, 4 पॉइंट का भी मूव लग सकता था, बट चलो गाइस थोड़े के लिए गाइस हम चुक गए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अभी अपने पास यार, वैसे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो गाइस हमने मिस कर दिया है। 4-2-1-0। चलो गाइस भी एक पॉइंट इंडिया को दोस्तों और मिलता होगा गाइस, एक वन मोर गाइस टेक्निकल पॉइंट फॉर गाइस इंडिया। मंगल का ध्यान का भी अभी 3 पॉइंट दोस्तों भी आगे चलते हुए, मंगल का ध्यान 3 गाइस, और मोहम्मद और ये एक उठा के पटकने की कोशिश यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्तों टेक डाउन दोस्तों। एक और दोस्तों भी आता हुआ गाइस टेक डाउन फ्रॉम गाइस मंगल का ध्यान, 5-0 दोस्तों भी हो जाएगा स्कोर। क्या दोस्तों ये वाला मैच हम टेक्निकल सुपरिटी से जीत सकते हैं, देखते क्या होता है। अभी ये वाले हाफ में तो टेक्निकल सुपरिटी से जीतना मुश्किल है यार, अगर टेक्निकल सुपरिटी से जीते तो गाइस अभी हमको अगले हाफ का इंतजार करना पड़ेगा। और अभी अरे यार पैरों पे भी अटैक करने की कोशिश की थी यार, पर नहीं, और भी अभी अट के हाँ, और एक आसान सही तो बहुत आसान था यार टेक डाउन दोस्तों। अभी गाइस अभी तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर ने भी हार मान ली यार, उसने कैसे भी हार मान ली है, देखते भी वो क्या गा, 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 क्या करता है। लेट्स सी ग्रिप बनाने की कोशिश, और यहाँ पे चलो 2 पॉइंट और 7-0 के साथ दोस्तों मिड गेम ब्रेक में भी अपने पास 7 पॉइंट की दोस्तों लीड है, 7 पॉइंट लीड टू इंडिया, 7 पॉइंट लीड टू इंडिया। देखते क्या होता है, कितने कितने कादियान है, कादियान तो आजकल बहुत है यार, कितने काडिया है, कितने काडिया का मतलब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया मेरे भाई। चलो ठीक है,
अबे अपना हाफ टाइम के बाद दोस्तों देखते हैं स्कोर क्या होता है। 1 सेकंड अपना ये, अपना ये मैच कहाँ गया, ये रहा अपना मैच। बढ़िया, इसको जरा भी मैं फुल जूम कर लूँ, ठीक है। देखते हैं उसमें होता है थोड़ा थोड़ा गाइस, लेट्स हैव सम वाटर। चलो गाइस मैच स्टार्टेड दोस्तों, अभी 3 मिनट का दोस्तों भी समय बचा है। अभी तुर्कमेनिस्तान वर्सेस इंडिया, 3 3 मिनट अगर आ जाए ना, मैं 3 पॉइंट अगर दोस्तों और आ जाए तो हम गाइस टेक्निकल सुपर से जीत जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे वही लग रहा है यार। अभी दोस्तों अभी अटैक आता हुआ फ्रॉम गाइस तुर्कमेनिस्तान, और ये बाहर लेके जा, थोड़े के लिए बच गए हम लोग यार, थोड़े के लिए बच गए। अच्छी डिफेंडिंग दोस्तों पे मंगल कादियान की, वरना भी पूरा फोर्स लगा दिया था यार तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर ने अपने इंडिया को बाहर निकालने के लिए। और अभी दोस्तों एक रिवर्स आ रहा है, बहुत अच्छा रिवर्स दोस्तों अभी पे फ्रॉम इंडिया दोस्तों मंगल कादियान का। 9 पॉइंट दोस्तों इंडिया के हो जाएंगे, एक अच्छा टेक डाउन। एक और स्पिन दोस्तों, एक स्पिन हो जाए यार, बस एक स्पिन हो जाए, और एक स्पिन हो जाएगा, एक स्पिन हो गया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया, 11-0 गाइस, 11-0। तो इसी के साथ दोस्तों हमने एक मैच दोस्तों टेक्निकल सुपर से जीत लिया यार। तो सो वी हैव वॉन द मैच गाइस, वी हैव वॉन द मैच फ्रॉम बाय 11-0। अब हम दोस्तों जाएंगे अगले राउंड में, आई थिंक तो क्वार्टर फाइनल में दोस्तों भी हम जाएंगे। बहुत ही बढ़िया या भाई, वी वॉन। मनीषा वर्सेस वर्ल्ड नंबर 3 टॉप सीडेड, मतलब मैं इसका मतलब समझा नहीं मेरे भाई, इसका मतलब मैं समझा नहीं ब्रो। एक सेकंड, क्या बोल रहा था आपको मैं। बहुत ही बढ़िया मैच दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मैच पहला वाला। अब अपना अगले मैचेस, अभी अगला अगले के तो टाइम है, मैट बी में होगा अपना यश। अरे वाह, यश का मैच भी होने वाला है, वाह वाह वाह, यश का मैच भी होगा, यश का भी मैच होगा क्वालिफायर में। देखते यश कैसा खेलता है, यश के अपना अगला होगा, दीपक पुनिया का मैच होगा। नित्या वर्सेस, ओके 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 ओके, नित्या वर्सेस वर्ल्ड नंबर 1, ओके ओके ठीक है। मनीषा वर्सेस वर्ल्ड नंबर 3, ओके आप इसकी बात करो, मेरे पैरा बैडमिंटन की बात करो, ओके ओके मेरे भाई ठीक है। वेटिंग फॉर दीपक पुनिया, मैं दीपक पुनिया के लिए मैच खेला, अभी भी थोड़ा समय है मेरे भाई, तो यार अभी 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 हमें अभी और वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू वेट मोर ब्रो, वी हैव टू वेट मोर। चलो चले मितवाई, ऊंची नीची ना हूं मैं, हो जाए तब ये दिल को खो ना जाए। देखते वालों होता है क्या अभी, लेट्स सी। आपके थोड़े कमेंट, कल तूने शूटिंग किया बट पेनॉट पैरा बैडमिंटन, अरे मेरे भाई शूटिंग में मैंने कैसे गलती कैसे किया है, मैं क्या बोलूँ मेरे भाई यार, कैसे किया है मुझे पता है मेरे भाई। शूटिंग भी यार मतलब वो इतना म्यूजिक चल रहा था मेरे भाई, कुछ भी नहीं, कुछ सिर्फ नाम के लिए था मेरे भाई लाइव, लाइव यार मैं सिर्फ मेरे भाई नाम के लिए लाइव था, मैं बस सिर्फ नाम के लिए लाइव था ब्रो मैं। या मेरे भाई मैं बस नाम के लिए लाइव था ब्रो, बिकॉज इतना लाइव करना मुश्किल होता है मेरे भाई, लाइव करना मुश्किल होता है मेरे भाई। तो यार मुझे करने के लिए ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे भाई, बट बहुत मुश्किल पड़ता है ब्रो सारी सारी चीजें कवर करना, बट आई विल ट्राई मेरे भाई, विल ट्राई कि अगली बार से मैं सारी करूं मेरे भाई। तो यार अभी अपना इंडिया का मैच तो अभी ये वाले मैट भी में होने वाला, ओके टाइम है, अभी टाइम है, टाइम है इंडिया के मैच के लिए, टाइम है अभी, टाइम है, टाइम है बोल बेटा, टाइम है, टाइम है। चलो बस ठीक है, बढ़िया। अभी आपके थोड़े कमेंट पढ़ लूँ, ओके पैरा बैडमिंटन का फाइनल रिजल्ट का करना आज नहीं तो कल, आज करेंगे, आज करेंगे मेरे भाई, आज करेंगे। आज तो मैं सोच रहा हूँ करने का, तो यार आज तो अपना ऐसा कुछ है भी नहीं, तो आज करेंगे। कल अपने ये भी आए थे, आया भाई कल इतना लाउड म्यूजिक था ना मेरे भाई, कल इतना लाउड म्यूजिक था, आप वो स्ट्रीम देख लो यार, आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई, मजा आ जाएगा। इतना लाउड म्यूजिक था ना ब्रो, इतना लाउड म्यूजिक था, क्या ही बोलूँ मैं। आया ब्रो कितने सालों बाद आया यार, सुबह के स्ट्रीम, आज संडे ना इसलिए 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 आज ही है ना, 11 फाइनल्स इन पैरा बैडमिंटन आउट ऑफ 22 फोर राउंड, वही तो यार, वो तो क्या ही बोले मेरे भाई यार, वो तो भी नॉर्मल हो चुका है मेरे भाई, अब तो वो नॉर्मल हो चुका है यार पैरा में। जब से मैं देख रहा हूँ वो स्पेन में भी ऐसे ही था, स्पेन में भी अपना ऐसे ही था, स्पेन में थोड़े कम थे बट ठीक है।
हाँ चलो बस ठीक है बढ़िया। नाउ लेट्स मूव टू द मैच। मैच के लिए तो टाइम है अभी। ये ईरान और कोरिया के मैच के बाद अपना मैच होने वाला है। ये ईरान और कोरिया के मैच के बाद अपना मैच होने वाला है। तो अभी भी 4-5 मिनट है दोस्तों मैच चालू होने के लिए अपना। एंड प्लीज गाइस अगर आपने दोस्तों लाइक नहीं किया तो सब क्या करो गाइस, लाइक कर दो। इफ यू हैवंट लाइक द स्ट्रीम गाइस फट से उसको लाइक कर दो। लाइक का बटन तो सबको दिख ही रहा होगा, उसको जोर से मार दो उसको गाइस, जोर से मार दो, मजा आ जाएगा। समझ में आया क्या? और प्रेम कुमार अले इन फाइनल्स ऑफ प्रेम कुमार अले इन फाइनल्स ऑफ व्हीलचेयर वन कैटेगरी। ओके 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 प्रेम कुमार अले। हाँ ला एक सेकेंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? या ठीक है इज ओनली सरप्राइज। तो द प्रॉब्लम ऑफ पैरा बैडमिंटन इज दैट दे विल पुट द स्कोर बोर्ड लेट। द प्रॉब्लम ऑफ पैरा बैडमिंटन इज दैट द स्कोर बोर्ड लेट रिजल्ट ऑल एक्सपेक्टेड। ज्यादातर एक्सपेक्टेड ही थे यार ज्यादातर। तो जिस दिन हमने 2 दिन पहले बात की थी यार, तो यार ब्रो 2 दिन पहले हमने बात की थी दोस्तों उसके ऊपर ही। तो 1 सेकंड का इस रेसलिंग कहाँ गया अपना, रेसलिंग कहाँ गया रेसलिंग? या ठीक है 2 मिनट अभी बचे यार अपना। ईरान हो, ये ईरान वाला मैच अच्छा हो रहा है। ईरान और कोरिया का मैच दोस्तों अच्छा हो रहा है। ईरान के दोस्तों पॉइंट है 7 और कोरिया के पॉइंट है 6। क्वालिफिकेशन मैच है ये, गुड मैच यार गुड मैच। देखते सभी होता है क्या। 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ 8। अरे यार क्या हो गया ये? अरे अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा यार, ये क्या हो गया? ये नोटिफिकेशन कैसे बाहर आ गया यार, ये नोटिफिकेशन कैसे बाहर आ गई? यार ठीक है। नाउ नाउ इट्स नाउ इट्स नाउ इट्स इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड लाइव स्कोरबोर्ड इन द सॉफ्टवेयर आल्सो। दे विल पुट स्कोर कार्ड आफ्टर द मैच। ओके 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 बट द वे प्रमोद एंड मनोज सरकार आर आउट। प्रमोद एंड मनोज सरकार मतलब अपना इसमें SL किसमें अपना उनका ये मेंस डबल की बात कर रहे मेरे भाई। चलो ठीक है बढ़िया। अपना ये पे मैच ईरान वाला खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, ईरान वर्सेस कोरिया वाला। चलो कोई नहीं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अपना सिंगापुर वर्सेस, यहाँ पे कौन सा मैच चल रहा है? सिंगापुर वर्सेस तुर्कमेनिस्तान के साथ मैच चल रहा है। सिंगापुर लेके जाएगा यार, सिंगापुर लेके जाएगा मेरे ख्याल से। तो यार दोस्तों SL3 सिंगल्स, ओके सिंगल्स की, ओके ओके SL3 सिंगल्स की बात करो मेरे भाई। बोथ आर आउट इन सिंगल्स। ओके 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 प्रमोद भगत अपने मस्ती फ्रेंड ने बोला था वो तो पक्का जीतेंगे यार, और मुझे भी लग रहा था ब्रो। वुमेन्स इन हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्पोर्ट पार्टी ऑल ऑफ इंडिया जापान ब्राजील इज गुड इन इवन इवन चाइना वाले भी अच्छे होंगे यार। वो कैसे रेसलिंग का क्या हाल है आज? पहला मैच हुआ है मेरे भाई, पहला अपना क्वालिफिकेशन मैच मंगल का आर्यन का ब्रो, उन्होंने जीत लिया मेरे भाई। तो पहला मैच वी वॉन मेरे भाई, पहला मैच वी वॉन। तो या ब्रो नितेश डिफिटेड प्रमोद एंड फुजुआरा डिफिटेड मनोज इन 3 सेटर। ओके मनोज, ओके नीतीश ने हरा दिया प्रमोद को और फुजुआरा ने हरा दिया मनोज। ओके फुजुआरा अपना इसका है ना जापान का है। ओके 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 मेरे भाई, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों थोड़ा पानी पी लिया जाए अभी इसी बात पे। ओके आप सीबीएस? नहीं, मेरे मैं मुझे लगा कि आप ओवरऑल बात कर रहे हो मेरे भाई, मतलब आप ओवरऑल बात कर रहे हो। आपने सिर्फ ये वाले टूर्नामेंट की बात की है, तो या इन दिस टूर्नामेंट। ओके इन दिस टूर्नामेंट, ओके ओके ठीक है। एक सेकेंड अपना मैच अभी लग जाएगा यार, अभी अपना मैच लग जाएगा दोस्तों। या तो भी अपना यश का मैच दोस्तों भी लगने वाला है, अभी अपना यश का मैच लगने वाला गाइस। या यश वर्सेस गाइस उज्बेकिस्तान, इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान का मैच दोस्तों। और मैट भी गाइस, मैट भी दोस्तों अपना सेकंड मैच लगने वाला गाइस अभी आज के दिन का। क्वालिफिकेशन मैच ही आ रही है, उज्बेकिस्तान के सामने अपना मैच है। नाम क्या उसके प्लेयर का? इक्तियोर के साथ अपना मैच है दोस्तों। इक्तियोर के साथ, इक्तियोर वर्सेज यश, देखते हैं क्या होता है इस वाले मैच में। लेट्स सी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तुर्कमेनिस्तान का प्लेयर जीत रहा है, सिंगापुर का प्लेयर हार रहा है। मैंने उल्टा बोला यार, मैंने उल्टा बोला दोस्तों, मैंने उल्टा बोला। अरे वेट कैटेगरी कौन सी है? 74 की वेट कैटेगरी दोस्तों, ये 74 की वेट कैटेगरी है। देखते क्या होता है अभी वाले मैच में। लेट्स सी
फुजुआरा ने पैरोल इसमें बीएमएम का बदला लिया। या ब्रो या ब्रो या इन चाइना हो कि ठीक है बढ़िया बढ़िया। एक सेकंड, कहाँ गया अपना मैच? बजरंग लॉस्ट। अरे कोई नहीं मेरे भाई यार, हार जीत तो होती रहती है यार, हार जीत तो मेरे भाई होती रहती है, डोंट सो वरी। ही इज ऑल्सो नॉट फिट यार, वो इतने फिट भी नहीं थे मेरे भाई। चलो गाइस, अभी मंगा यश का दोस्तों भी मैच हो रहा है गाइस, यश का मैच हो रहा है गाइस नव रोजियो से गाइस, नव रोजियो, देखते भी क्या होता है। चलो गाइस, मैच हैज बीन स्टार्टेड, मैच शुरू होने जा रहा है। चलो गाइस, मैच शुरू हो चुका है दोस्तों, मैच दोस्तों शुरू हो चुका है, देखते क्या होता है, लेट्स सी। आई थिंक तो अपने एम्पायर इंडिया का ही है क्या? एम्पायर इंडिया के है क्या? नहीं है एम्पायर के, इंडिया के पसीना पे आ रहा है, थिंक सो पसीना आया, पसीना आ रहा है। एक सेकंड, तो अभी यश को दोस्तों भी थोड़ा टॉवेल से भी उनको ये करेंगे यार, थोड़ा पसीना भी हाथ में बहुत दिख रहा है यश के, तो यार चलो थोड़ा भी हाथ भी ये पूरी बॉडी पूरी सुखाई जाएगी दोस्तों, भी पूरी बॉडी सुखाई जाएगी फ्रॉम टॉवल, देखते भी क्या होता है, लेट्स सी। पर डॉक्टर को क्यों बुलाया मेरे भाई? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं आई थिंक, तो ये जज है, जज है, ये जज है यार ये बहुत। चलो कैसे भी अपना मैच फिर से रुक जाएगा दोस्तों, अपना मैच थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा अभी पोछ रहे उसको, पसीना बहुत आ रहा था। चलो ज्यादा ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो कैसे भी अपने मैट पे फिर से आ जाओ दोस्तों, मैट पे फिर से आ चुके गाइस यश, लेट्स सी क्या करता है अभी यश अपने। यश से मुझे केजीएफ इसकी केजीएफ की याद आती है मेरे भाई, मैंने पिक्चर देखी नहीं बट फिर भी आई डोंट नो व्हाई। चलो लेते 5.5 मिनट का दोस्तों, अभी तो अभी 20 सेकंड ही हुआ। अरे अभी बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी आता हुआ यार, और उसको बहुत ही बढ़िया मूव गाइस, 2-4 पॉइंट दोस्तों मूव आता हुआ यार, बहुत ही अच्छा धोबी पछाड़ दे दिया आप यार, बहुत ही बढ़िया धोबी पछाड़ दे दिया आप गाइस नवजोरोव ने, और बहुत पसीना ऐसे दिख रहा है यार मेरे भाई। ओके वो कंप्लेंट कर रहा था दोस्तों, कंप्लेंट कर रहा था वो। और चलो अभी अभी इस बार दोस्तों भी अंपायर ने इसकी बात मानी दोस्तों, भी अभी उज्बेकिस्तान के प्लेयर ने उज्बेकिस्तान की प्लेयर की बात मानी नहीं अभी, तो या पहला अच्छा मुंह मारा यार, अच्छा मुंह मारा उज्बेकिस्तान के प्लेयर, अभी दूसरा सेम टू सेम आने की कोशिश की थी यहाँ पे, और 4 पॉइंट मिल जाएंगे यार, लगातार बैक टू बैक दो धोबी पछाड़ा पे दे दिए यार फ्रॉम उज्बेकिस्तान प्लेयर, वहां कसम यार ऐसा एकदम एकदम देखने के लिए ना परफेक्ट वाला नहीं था यार, बट उसको उसको 8 पॉइंट तो मिल गया ना मेरे भाई यार, शिट। और भी एक और एक पॉइंट की कोशिश, अभी नहीं अभी यहाँ पे रिवर्स होता हुआ, अभी रिवर्स होता हुआ बहुत ही बढ़िया, 2 पॉइंट दोस्तों भी हमको मिल जाएंगे, 2 पॉइंट अभी यश को दोस्तों मिल जाएंगे। स्पिन 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 नहीं हुआ, स्पिन नहीं कर पा रहा है, स्पिन नहीं कर पा रहा है अभी यार यश, कमॉन मेरे भाई यश कमॉन, देखते हो सभी होता है क्या यश, लेट्स सी व्हाट यश डू गाइस, लेट्स सी व्हाट यश डू। 8 पॉइंट दोस्तों भी उज्बेकिस्तान के प्लेयर के हो चुके, उसको टेक्निकल सुपरिटी से जीतने के लिए भी और एक बस थी, उसको एक और धोबी पछाड़ चाहिए यार, अगर दोस्तों वो दे देगा तो वो जीत जाएगा वाला मैच, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट यार कि वो ना जीते यार, यार अगर हम क्वालिफिकेशन में ही बाहर हो जाएंगे तो वैसे अच्छा नहीं लगेगा यार दोस्तों, अगर हम गाइस क्वालिफिकेशन में ही बाहर हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कमॉन यश कमॉन, एक आध दो तो अच्छे मूव लगा तो गाइस हमको भी थोड़ा देखने में मजा आया दोस्तों, तो यार देखते भी क्या करता है यश अपना, लेट्स सी व्हाट यश डू। अभी अभी पैर पकड़ लिया यहाँ पे, चांस है, और ये टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक ही पॉइंट मिलेगा दोस्तों, अच्छी डिफेंडिंग यार, अच्छी डिफेंडिंग दोस्तों अभी यश से, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा अभी उज्बेकिस्तान के प्लेयर को, वो जो उसको बाहर लेके गया था यार, वो इंडिया यश को दोस्तों बाहर लेके गया था, पैर पूरे हावे में पकड़ के लेके गया था, अगर दोस्तों वहाँ पे टेक डाउन हो जाता पीट के बल दोस्तों, तो 4 पॉइंट मिलते और मैच खत्म हो जाता यार। चलो बच चुके अभी, अरे रे अभी और एक अटेम्प्ट करने अभी कोशिश की थी यार यश ने, बट उसमें वो फेल होता हुआ, देखते लेट्स सी अभी देखते क्या होता है। और अभी यहाँ पे चांस है, और एक पॉइंट मिल जाएगा, चलो अभी और एक पॉइंट मिल जाएगा, और एक बार दोस्तों बाहर लेके गया अभी यार उज्बेकिस्तान का प्लेयर, इंडिया के प्लेयर को, वो थोड़ी चिपचिपाहट दिखा रहे हैं कब से यार, कब से वो दिखा रहा है कि कुछ तो उसको लगा है, बहाने मार रहा है क्या, क्या पता मेरे भाई, एम्पायर चेक भी नहीं कर रहा उसका, एम्पायर चेक भी नहीं कर रहा, सिर्फ स्टार्टिंग के पहली बार एक बार चेक किया था। सो गाइस लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। कमॉन कमॉन, कैसा होता है थोड़ा, अगर अगर बॉडी पे पसीना होता है ना दोस्तों, तो आप अच्छे से ये नहीं बना पाते, और ग्रिप नहीं बना पाते आप, इसलिए वो बोल रहा था, तो वो एक उसकी तो वो एक उसकी बहन का दोस्तों लॉजिक है, देखते भी क्या होता है यहाँ पे, मुश्किल लग रहा है अभी 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 पैर पकड़ लिया यार यश ने, देखते हैं
कोशिश पर अच्छी डिफेंडिंग यार, अच्छी डिफेंडिंग उसने दोस्तों भी उनकी पीठ को पकड़ लिया है, उसने अपने पीठ को पकड़ लिया अभी, वो खड़ा भी हो गया यार। लेट्स सी, देखते चांस है भी अपने इंडिया के पास टेक डाउन करने का, और दो पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों, दो पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, दो पॉइंट मिल जाएंगे। और 10-4 दोस्तों भी स्कोर चल रहा है, चलो ठीक है 10-4 गाइस, अपना मिड गेम ब्रेक आ जाएगा। तो लेट्स सी योर कमेंट गाइस, लेट्स सी योर कमेंट गाइस, लेट्स सी योर कमेंट, कमेंट आपके थोड़े पढ़ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, डॉक्टर इज इक्वल टू जज, अरे नहीं मेरे भाई नहीं यार, टफ मैच है फॉर यश, ऑफ कोर्स टफ तो है मेरे भाई, टफ तो दिख रहा है मेरे भाई। लव चल रहा है क्या? लव चल रहा है का मतलब मेरे भाई, हम कुश्ती में बहुत बड़े देश है ना तो बाहर, अब बहुत बहुत बड़ा देश है ना तो बाहर है ना तो अच्छा कैसे लगेगा, अच्छा मतलब समझ में नहीं आया हमारे सब, इसका मतलब समझ, लाइव चल रहा है क्या? ऑफ कोर्स लाइव चल रहा है मेरे भाई, ये मैचेस आप लाइव मैच देख सकते हो, वेबसाइट पे आप ये मैच आप लाइव देख सकते हो ब्रो। तो यार बजरंग प्लेड सो डिफेंसिव, क्या ही बोले ना मेरे भाई, क्या ही बोल सकते उसके बारे में, इतने सारे प्लेयर आ गए यार, कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं, डॉक्टर इज इक्वल टू जज, अरे कोई नहीं मेरे भाई, वो गलती हो जाती है यार, गलती हो जाती है ब्रो। या बेस्टान भाई चलो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी अपना मिड गेम के बाद, मिड गेम के बाद दोस्तों देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। या मुझे लगा कि मैं अपना ये शो कर रहा हूँ क्या, नहीं चलो ठीक है। और टेक्निकल सुपरियरिटी से जीतना तो यार अभी मुश्किल तो नहीं आया उसके लिए, बिकॉज यार वो एक मूव लगा देगा, हो जाएगा टेक्निकल सुपरियरिटी। तो अभी इंडिया हैव टू बी वेरी ब्रेव यार, इंडिया हैव टू वेरी ब्रेव, अभी एक अच्छा चांस अभी इंडिया के लिए बनता हुआ नहीं, और रिवर्स मार दिया आप यार, अभी एक और पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों, एक और पॉइंट मिल जाएगा, बाहर लेके गया था अभी यश को यार, वो उज़्बेकिस्तान का प्लेयर अभी बाहर लेके गया यश को, तो उसका दोस्तों उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो 11-4 गाइस, 11-4, 2:35 अभी बचा है, देखते हैं क्या होता है, समय तो अभी भी है यार, समय तो अभी भी है, अगर दोस्तों अगर वो टेक डाउन करने का 2-3 अगर स्पिन कर देगा तो मजा आ जाएगा, तो अपने पास दोस्तों हो जाएगी लीड, वरना अगर यार ऑफकोर्स ये दे दे यार वो धोबी बचा दे दे मेरे भाई, तो गाइस और ही मजा आ जाएगा। अगर आप दोस्तों अगर आप इसमें कैसा होता है दोस्तों, अभी आपको पता नहीं होगा, तो देखो अगर आप सामने के बल गिरते हो, अगर आपका मुंह अगर पेट अगर आपके बॉडी पे लग जाता है मेरे भाई, ए मारा यहाँ पे दोस्तों, मारा यहाँ पे लिटरली मारा यहाँ पे यार, मारा दोस्तों, मारा यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को, ये क्या चल रहा है यार, ये कौन सा मैच चल रहा है मेरे भाई, ये तो यार चलो ठीक है कोई नहीं। और भी अभी यश 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 कमाओ, अभी एक टेक डाउन की कोशिश यहाँ पे, दोनों के हाथों में हाथ अभी आ चुके हैं यार, देखते हैं कौन एक दूसरे की, कौन किसको गाइस टेक डाउन करने में कामयाब होता है, लेट्स सी। कम ऑन यश, कम ऑन यश, पैर भी यश ने पकड़ लिया है, चलो गाइस फिर से दोस्तों दोनों प्लेयर हो चुके खड़े यार, दोनों प्लेयर गाइस अभी फिर से हो चुके खड़े, लेट्स सी देखते हैं अभी होता है क्या। बढ़िया है बढ़िया है, और अभी पैरों पे भी अटैक करने की कोशिश फ्रॉम गाइस अभी इंडिया, और ये अटैक नहीं हो पाएगा, और ये टेक डाउन नहीं, एक ही पॉइंट मिलेगा आई थिंक सो, दो पॉइंट, दोनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे क्या, आई थिंक सो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे, देखते किसको किसको कितने पॉइंट मिले भाई। थर्ड एम्पायर ने दोस्तों कुछ डिक्लेयर नहीं किया यार, थर्ड एम्पायर के साथ थोड़ी बातें हो रही है अभी, रेफरी के साथ, थर्ड एम्पायर इसमें थोड़ी होता है, रेफरी के साथ थोड़ी बातें चल रही है ये, दोस्तों किसको कितने पॉइंट मिलेंगे, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। बोल रहा है हम कुश्ती में बहुत बढ़िया देश है ना तो क्वालिफाई नहीं हो पाए तो बुरा लगेगा, अरे हाँ यार देखते हैं, हो जाएंगे यार, इतने सारे प्लेयर्स आ गए मतलब मेरे भाई, देखो मैं कमेंट्री करते समय ना मेरा पूरा ध्यान मेरे भाई मैच में होता है, जब अपना मैच चालू होता है मेरे भाई, मेरा पूरे मैच पूरा पूरा ज्यादा से ज्यादा समय मेरा भाई मैच में होता है, और थोड़ा सा समय मेरा इसमें होता है पर, तो यार कमेंट्स में होता है, जब अब मैच खत्म हो जाएगा भाई तब हम अच्छे से बात करेंगे, आपके कमेंट्स में लेते रहूंगा, ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स लूंगा नहीं मैं, बट ब्रेक में भाई एक ओके एक रेड कार्ड, तो अभी कार्ड भी मिलता हुआ दोस्तों, भी एक कार्ड मिलता हुआ, एक वार्निंग, एक येलो कार्ड दोस्तों, भी एक येलो कार्ड, एक और दोस्तों उसका येलो कार्ड का दोस्तों एक पॉइंट मिलेगा, फाउल पॉइंट, एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा यश को, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 1:14 लेट, अभी पैरों पे भी अटैक किया यहाँ पे यश ने, लेट्स सी देखते क्या होता है। उज़्बेकिस्तान का प्लेयर डिफेंड करने में कामयाब नहीं हो पाएगा, दो पॉइंट और मिलेंगे दोस्तों, नहीं 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 डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, बट चलो ठीक है दो पॉइंट और मिल जाएंगे इंडिया को गाइस, बहुत ही बढ़िया। 8-11 गाइस, 8-11, दो स्पिन चाहिए दोस्तों, बस दो स्पिन यार, इफ वी अगर हम दो स्पिन में उसको सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा, देखते दोस्तों क्या होता है। नहीं चलो यार स्पिन में सक्सेसफुल नहीं यार दोस्तों, हमको 3 पॉइंट दोस्तों भी लीड है यार, 3 पॉइंट दोस्तों भी लीड है, 3 पॉइंट दोस्तों भी उज़्बेकिस्तान के पास लीड है यार, 54 सेकंड का समय बचा है अभी, देखते क्या होता है। अभी उज़्बेकिस्तान का तो पूरा डिफेंसिव खेलेगा यार, उज़्बेकिस्तान का दोस्तों भी पूरा का पूरा डिफेंसिव खेलेगा, देखते वालों भी होता है क्या, लेट्स सी।
अच्छा मैच यार, अच्छा मैच दोस्तों, एक अच्छा टफ मैच देखने मिला हमको बहुत समय बाद। उज़्बेकिस्तान पूरा का भी डिफेंसिव खेल रहा है और ऑफकोर्स यार वो क्यू 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 अटैक करने जाएगा, उसके अभी अच्छे 3 पॉइंट की लीड है। अभी वो अगर स्टेबल भी रहेगा तो वैसे उसके लिए अच्छा होगा। तो यार अभी यहाँ से कुछ भी करके यार एक अच्छा मूव लगाना पड़ेगा यार, अगर कैसे अगर स्कोर इक्वल भी हो जाता तो भी कैसे उज़्बेकिस्तान का प्लेयर जीत जाएगा, बिकॉज उसका दोस्तों एक उसका दोस्तों हायर पॉइंट वाला मूव था, एक 4 पॉइंटर वाला मूव था यार, और हमने कहीं दो दो पॉइंटर की मूव मारे, सबसे हाईस्ट हमारा 2 पॉइंटर का ये कही तो यार। और भी अभी और एक टेकडाउन दोस्तों भी आता हुआ यार बहुत ही बढ़िया, एक स्पिन बस एक स्पिन गाइस, एक स्पिन अगर एक स्पिन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा तो वी विल विन। देखते क्या होता है, 3 2 1 गया रे देवा, 1.4 गया दोस्तों, 1.4 गया यार, व्हाट द फक वी लॉस द मैच गाइस फ्रॉम 1 पॉइंट दोस्तों, 1 पॉइंट दोस्तों में ये मैच हार गया दोस्तों। अरे यार 1 पॉइंट दोस्तों ये मैच हार गया है, क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा अभी अपना यश यार, यश अपना दोस्तों भी क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा। क्लोज तो मैच था मेरे भाई, क्लोज मैच था, मजा आ गया, मैं देख के मजा आ गया मेरे भाई, मैं देख के मजा आ गया। तू किसको धोबी पछाड़ करेगा क्या तू, तुझे मैं करूँ, अरे करो यार मुझे करो, तू धोबी पछाड़ करो मेरे भाई, जो लगता है मेरे भाई आपको, जो लगता है ब्रो। तो यार एंड गाइस प्लीज लाइक द स्ट्रीम गाइस, 4 लाइक हो चुके दोस्तों, तो प्लीज यार 11 लोग दिख रहे दोस्तों, अगर हम 10 लाइक तक गाइस पहुंच जाएंगे तो मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा, इट विल बी अ फन। ओवरऑल दोस्तों गुड मैच यार, ओवरऑल दोस्तों अगर मैं एज अ व्यूअर से देखूं यार, एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव वाइज मुझे तो गाइस मैच देखने में मजा आया। अभी दीपक पुणे के लिए मैच के लिए भी तो टाइम लग रहा है यार, अभी तो बहुत टाइम है दीपक पुणे के मैच के लिए, अभी अपना एक क्वार्टर फाइनल मैच होगा अनिरुद्ध का, उसके लिए भी टाइम है, मंगल कादियान का भी क्वार्टर फाइनल मैच होगा और मैट ए में तो गाइस उसके लिए हम रुकेंगे। अभी मैट सी में देखते हैं क्या अपना, मैट सी में अपना गाइस अभी विकी का भी एक क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है, बहुत ही बढ़िया। तो देयर आर मैचेस कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगला मैच दोस्तों अपना विकी का दोस्तों, अभी अगला मैच होगा विकी का क्वार्टर फाइनल मैच, हम देखेंगे दोस्तों। तो यार अभी एक प्लेयर तो अपना जा चुका है यार, अभी अपने कितने प्लेयर बचे, एक विकी बचा है अपना, और कौन बचा है अपना, दीपक पुनिया बचा है, मंगल कादियान बचा है, और वन एक प्लेयर जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, और अनिरुद्ध कुमार बचा है मेरे। तो यार ये 4 प्लेयर दोस्तों भी अपने बचे हैं, तो देखते दोस्तों भी होता है क्या। दिल पे नहीं लेता मैं यार, टेंशन ना लो। अभी आपको जो भी बातें करनी भी आप कर सकते हो यार, भी अपना कोई मैच नहीं चल रहा है दोस्तों, सो वी कैन टॉक टू यू गाइज आराम से। तो यार भी अपना मैच सी में भी अपना अगला मैच होने वाला है, मैच सी में अपना भी अगला मैच होने वाला है, देखते क्या। तो विकी का मैच होने वाला है, विकी का। सो वन मेडल गोज आउट ऑफ आर हैंड टूडे, ऑफकोर्स यार एक मेडल अपने हाथ से जा चुका है मेरे भाई, अभी 4 ही मिल सकते हैं, कम से कम 4 ही मिल सकते हैं ब्रो। हो तुझा नी माजा नशीबाचा वड़ा पाव। यश कम बैक स्ट्रॉन्गर, अगले टूर्नामेंट में अच्छा करेगा गुड़गांव, और कम बैक तो मेरे भाई ने अच्छा किया यार। उज़्बेकिस्तान का प्लेयर बहुत डिफेंसिव भी बहुत खेल रहा था वो, बट चलो यार यश प्लेड वेरी रियली वेल दोस्तों, यश प्लेड रियली वेल, कम बैक बंदे का अच्छा था। यस। मैं आपको दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, हाँ हम दोस्तों मैच पे ही बने रहते हैं यार, बिकॉज भी अपना 3 मिनट के अंदर दोस्तों अपना मैच शुरू हो जाएगा, 3-4-5 मिनट के अंदर 9:36 के आसपास तो अपना मैच शुरू हो जाएगा, तब तक भी रीड योर कॉमेंट गए, तब तक हम आपके कैसे कॉमेंट पढ़ लेते हैं, आपको जो भी लिखने गए मुझे लिख के बताओ यार ऑन गाइस कॉमेंट सेक्शन, आई विल रीड योर कॉमेंट गाइस। तो या अभिषेक भाई कहाँ पे गए? अभिषेक ही नाम था ना उनका, अभिषेक त्रिपाठी, तो यहाँ पर अभिषेक त्रिपाठी। तुझा नी माजा नशीबाचा वड़ा पाव। भाई स्पोर्ट्स 18 में मेरा सिटी केबल पे आ गया है, फ्री में भी दिखा रहा है तेरा आया का, और फ्री नहीं मेरे सन डायरेक्ट में अब तक नहीं आया मेरे भाई, सन डायरेक्ट में अब तक नहीं आया ब्रो। जो ना फ्री डिश है मेरे भाई, फ्री डिश में भी आपको देखने मिलेगा मेरे भाई, वो चैनल फ्री डिश में भी देखने मिलेगा, जो ना डीडी फ्री डिश होता है ब्रो। तो यार स्पोर्ट्स 18 वाह, और भी उनके मेरे भाई चैनल आ सकते हैं, और भी उनके मेरे भाई चैनल आ सकते हैं, तो यार स्टे ट्यून मेरे भाई, और भी उनके आपको चैनल देखने मिल जाएंगे यार। पहले के 2 4 पॉइंटर मूव ने खेल बिगाड़ दिया, वही तो मेरे भाई था ना, पूरा मोमेंटम ही हो गया ना भाई पूरा, और पूरा वो 8 पॉइंट उसके साथ इतना अच्छा खासा हो गया मेरे भाई बफर यार, और वो देख के अच्छा लगा मुझे, वो धोबी पछाड़ देखिए अच्छा, तो ये तो स्मूथ वाला नहीं था धोबी पछाड़ मेरे भाई, इतना स्मूथ नहीं था ब्रो, जितना ऊंचाई से फेंकते उतना मजा आता है मेरे भाई। तो या दैट उज़्बेकिस्तान प्लेयर नॉट लुकिंग गुड, आई डोंट थिंक देयर इज अ चांस ऑफ रैपिड चार्ज,
उसने सेम सेम मेरे भाई सेम 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 रूप मुझे भी कोई चांस नहीं लेता मेरे भाई, मुझे भी कोई चांस नहीं लेता बिकॉज वो इतना भी कोई ठीक है यार ठीक है। क्वार्टर फाइनल भी एक चल एक आधा राउंड जीत जाएगा मेरे भाई, एक आधा राउंड आगे आके जीत सकता है बट सेमीफाइनल में हार जाएगा ब्रो, ऐसा मुझे भी लगता है ब्रो। तो यार पर मेरे भाई रैपिड चार्ज के राउंड मिलेंगे क्या अपने को, बिकॉज ये क्वालिफायर था ना मेरे भाई, तो मुझे भी उम्मीद वैसे भी अगर वो जीत भी जाएगा मेरे भाई तो क्या हमको मिलेंगे मेरे भाई, क्या हमको मिलेगा चांस इसके, बिकॉज इसमें क्वालिफायर है ना मेरे भाई, इसमें क्वालिफायर है ना ब्रो, तो इसके वजह से तो उसका मुझे एक डाउट था मेरे भाई। अभी अपना तुझा नी माझा नशीबाचा वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, तुझा नी माझा नशीबाचा वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, तू मीटिंग चक्कर रहे ना मुझे चक्कर। स्पोर्ट्स 81 HD अभी नहीं आया है, नॉर्मल वाला आया है, पर मेरे सिटी के बल्ब में तो फ्री में क्यों दिखा रहा है वो, स्टार्टिंग में फ्री दिखाएंगे, बाद में आपको थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा, 1-2-4 रुपया 10 रुपया आगे 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 बढ़ेगा मेरे भाई, आगे आगे बढ़ेगा। तो यार ब्रो अरे क्वालिफिकेशन में रैपिड चार्ज नहीं मिलते, मैं वो मैंने वो ही बोला ब्रो, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। और अपने मस्ती मस्ती के साथ सैड इमोजी लगाई अपने दीपांशु भाई ने यार, मस्ती के साथ सैड इमोजी क्यों लगाई है हो, इसके दरबार में तो आते हैं, इसके दरबार में लोग आते हैं, वो आने जाने वाले लोग, कोई बंगड़ा काटता है कोई बकरा काटता है, आने जाने वाले लोग कोई बकरा काटता है कोई बकरा काटता है। मस्ती चेक फर्स्ट बिफोर सेइंग इफ योर अपोनेंट क्वालिफाइड टू फाइनल देयर इज रैपिड चार्ज, मस्ती ऐसा होता है क्या, बिकॉज मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ब्रो, यार मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ब्रो। ओ तेरी मुझे जानी आचा मा, अरे विकी का मैच अभी स्टार्टेड है, सो विकी का मैच तो शुरू हो चुका है, चलो लेट्स सी द विकी वाला मैच। अरे वाह क्वार्टर फाइनल मैच है, देखते क्या होता है, लेट्स सी। ये अपना 92 kg का मैच है दोस्तों, अपना 92 kg का, यार ये मुझे 92 लग ही नहीं रहा मेरे भाई, इन लोग 92 के लग ही नहीं रहे, उल्टा जो पिछले वाले खेल रहे मेरे भाई वो 92 के लग रहे थे और ये 74 के लग रहे नहीं यार होंगे यार ये 92 के होंगे, चलो भाई देखते भी क्या होता है, लेट्स सी। और अभी हाथ मोड़ रहा, उंगलियां मोड़ रहा है यार, उंगलियां मोड़ रहा है किर्गिजिस्तान का प्लेयर, पहले उसको दोस्तों वार्निंग मिलती हुई, इस रोलिंग इज फिंगर गाइस, विकी के वो दोस्तों थोड़ी रोल कर रहा है उसकी फिंगर को, तो यार देखते भाई अभी होता है क्या, लेट्स सी। अभी चांस कमॉन, अरे ब्लू को और एक वार्निंग मिलती हुई यार, ब्लू को दो लगातार ब्लू को दोस्तों वार्निंग यार, किर्गिजिस्तान के प्लेयर को, देखते अभी होता है क्या, लेट्स सी। ग्रिप नहीं, दोनों एक दूसरे को बराबर से ग्रिप अच्छे से कर नहीं पा रहे यार, तो यार गाइस देखते अभी होता है क्या, लेट्स सी। रेसलिंग का मजा अलग है यार, पहले मुझे कॉन्टेक्ट स्पोर्ट में बॉक्सिंग अच्छा लगता था, बट अभी अभी धीरे धीरे मुझे थोड़ा ना बॉक्सिंग से मन उतर रहा है, रेसलिंग में मजा आ रहा है मेरे भाई। तो यार चलो देखते अभी क्या होता है, विकी विकी बहुत ही मतलब ज्यादा अटैकिंग कुश्ती हो नहीं रही यहाँ पे यार, दोनों भी सपने देखे कि कौन गलतियां कर रहे हैं, बस उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। भी कोई ना कोई दोस्तों पैसिव डिक्लेयर होगा, दोस्तों भी कोई ना कोई तो पैसिव डिक्लेयर होगा, या पैसिव डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों, भी किर्गिजिस्तान का प्लेयर दोस्तों भी हो चुका है पैसिव डिक्लेयर। अब उसको दोस्तों 30 सेकंड के अंदर पॉइंट लेना, अगर दोस्तों पॉइंट लेने में नाकामयाब रहा दोस्तों तो उसको अभी अपने इंडिया के प्लेयर को दोस्तों पहला पॉइंट मिल जाएगा, तो लेट्स सी देखते हैं दोस्तों भी होता है क्या, मजा तो आएगा। डंचक डंग डंग चक डंग डंग चक डंग डंग, देखते भाई लोग भी होता है क्या, अरे चांस अभी नहीं, नहीं बच गए। ठीक है कोई नहीं। और ये पहला पॉइंट इंडिया को मिल जाएगा, पहला टेक्निकल पॉइंट टू इंडिया, टेक्निकल पॉइंट टू इंडिया, बहुत ही बढ़िया 1-0 से दोस्तों भी विकी आगे चल रहा है, देखते भी होता है क्या, लेट्स सी। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। ये क्वार्टर फाइनल मैच अगर हम जीत जाएंगे तो हम सेमीफाइनल मैच में आ जाएंगे यार, तो अगर सेमीफाइनल में आ जाएंगे तो वैसे थोड़ा तो अपना मेडल का थोड़ा चांसेस और हो जाएगा, तो अपना कहीं थोड़े मेडल के चांसेस दोस्तों और बढ़ जाएंगे, तो देखते भाई लोगों भी होता है क्या। वाह 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 राम जी, और ये क्या कुछ रेड वाले को भी एक पैसे थोड़ा भी एक वार्निंग मिलती है, उसको भी रेड वाले को एक वार्निंग मिलती हुई, ठीक है।
बहुत ही पैसिव रेसलिंग दोस्तों है, बहुत ही पैसिव रेसलिंग दोस्तों, बहुत ही पैसिव रेसलिंग। मेरे जो सेकंड राउंड में आपको थोड़ी इंटेंस रेसलिंग देखने मिल जाए मेरे भाई, सेकंड राउंड में आपको थोड़ी इंटेंस रेसलिंग मिल जाए लास्ट के तीन मिनटों में। अभी अपना 13-12 सेकंड के बाद अभी अपना मिड गेम ब्रेक आएगा। दोनों में से एक दूसरे को फेविकॉल से चिपक चुका है ऐसा लग रहा है दोस्तों, लिटरली दोनों ऐसा लग रहा है दोनों फेविकॉल से एक दूसरे को चिपक चुका है। चलो अभी दोस्तों अपना मिड गेम ब्रेक दोस्तों भी आ चुका है यार। नाउ वी कैन रीड टू योर कमेंट्स गाइस। अब आपके गाइस कमेंट के थोड़ा गो थ्रू करता है। ऋतुराज मंगल कादियान हार गया, हार रहा है मैट भी मैच चल रहा है मेरे भाई। एक सेकंड भैया ठीक है, खुद को पता है नहीं मुझे सिखा रहा है। अरे झगड़ा मत करो मेरे भाई, झगड़ा मत करो यार। तो यार ठीक है ठीक है, तो यार ओएम जी अनिरुद्ध कुमार इज नंबर वन सीडेड इन दिस टूर्नामेंट इज प्लेइंग। क्या वो नंबर वन सीडेड है क्या? क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? हो गया मैच भाई, एक सेकंड यार, मैच शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ मेरे भाई यार? क्या बात कर रहे हो, अपना मैच हो गया? कौन सा मैच मैंने मिस कर दिया मेरे भाई, कौन सा मैच मिस कर दिया बोलो मैंने? चलो एक काम कर दो, उसकी बात अभी उसकी वो वाले मैच की बात हम बाद में करेंगे, बिकॉज ऋतुराज भाई उसकी बात हम बाद में करेंगे यार। जो भी अपना थोड़ा विकी का मैच देख लेते, वरना वो भी मैच मेरे से मिस हो जाएगा। तो सभी विकी का मैच ये एक साथ लगा था मेरे साथ लगा था मैच, इसलिए मैंने मिस कर दिया। पर चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं, अभी देखते हैं दोस्तों विकी क्या करता है। और भी कोई कॉमेंट्स सबके लूंगा दोस्तों, बट मैच खत्म होने के बाद तो या गाइस यार मैच खत्म होने के बाद तो सबके मैं सारे के सारे कॉमेंट्स लूंगा। कुछ तो भी बात कर रहा है एम्पायर के साथ यार, अभी कुछ तो बात कर रहा है अभी विकी एम्पायर के साथ, कुछ तो वार्निंग देने की बात कर रहा है सामने वाले प्लेयर को। देखते हो सभी होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट की लीड है तो यार एक पॉइंट की लीड रेसलिंग में कुछ भी नहीं होती यार, एक पॉइंट की लीड कुछ भी नहीं होती। थोड़ा भी एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे किर्गिस्तान का प्लेयर, देखते भी होता है क्या, लेट्स सी। 2:14 दोस्तों भी बचा है, बहुत ही क्लोज मैच होगा इसमें भाई यार, बहुत ही क्लोज मैच होने वाला है यार ये वाला दोस्तों, आखिरी मोमेंट तक दोस्तों सब। बिकॉज जब एक पॉइंट की लीड होती है ना यार, तब आखिरी मोमेंट तक हम गाइस कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों यार। ओके ये वार्निंग मिलती हुई मेरे ख्याल से, ये वार्निंग मिलती हुई क्या, पैसिव डिक्लेयर हो गया ये, थोड़ा मुझे डिसीजन अच्छा लगा नहीं यार, थोड़ा मुझे थोड़ा गाइस थोड़ा किर्गिस्तान के प्लेयर को गाइस पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है, स्ट्रेंज गाइस स्ट्रेंज। ठीक है मुझे थोड़ा वो अटैक लग रहा था यार, मतलब इट वॉज क्लोज यार, इट वॉज क्लोज, विकी भी अटैक कर ही रहा था, बट ठीक है चलो कोई नहीं। मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा कि किर्गिस्तान का प्लेयर थोड़ा ज्यादा अटैक कर रहा है, बट चलो कोई नहीं। उस अभी 4 सेकंड बचे, 3 सेकंड अभी, और एक पॉइंट, और एक टेक्निकल पॉइंट उस अभी हमको मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन गाइस। 1-1 चलो गाइस, अभी अपना और पॉइंट मिलेगा, 2-0 बहुत ही बढ़िया, 2 पॉइंट उस अभी अपने पास लीड है, दोनों गाइस हमको मिलेगा टेक्निकल पॉइंट्स, तो या गाइस वो एक अच्छी बात है, देखते भी क्या होता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी विकी तो कोशिश कर रहा है, विकी तो कोशिश कर रहा है, पर अभी देखो अभी जो करना है दोस्तों किर्गिस्तान के प्लेयर को करना है यार, अगर दोस्तों अगर यहाँ से उसको गाइस कमबैक करना है, उसको अभी एक मूव तो लगाना पड़ेगा, उसको गाइस एक मूव तो लगाना पड़ेगा यार। भैया गाइस अभी इंडिया के प्लेयर को भी एक थोड़ी वार्निंग मिलती हुई यार, बिकॉज वो बहुत ज्यादा पैसिव खेल रहा है अभी यार, इंडिया का प्लेयर थोड़ा गाइस पैसिव खेलने लगा, बिकॉज उसको पता है उसके पास 2 पॉइंट की लीड है यार, तो यार दोस्तों इसके वजह से देखते भी क्या होता है। अगर एक अगर टेकडाउन दोस्तों भी आ गया किर्गिस्तान के प्लेयर का, तो गाइस हमारे लग सकते हैं दोस्तों यार, तो गाइस हमारे लग सकते हैं, तो लेट्स सी देखते भी होता है क्या। वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई। और यहाँ पे दोस्तों वार्निंग, ओके ओके पैसिव दोस्तों भी इंडियन प्लेयर हो चुका है क्या डिक्लेयर, आई थिंक सो, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। चैलेंज कैंसल्ड, ओके चैलेंज, ओके ओके विकी दोस्तों भी यहाँ पे ये हो चुका है दोस्तों, विकी हैज बीन गाइस अभी हो चुका है दोस्तों, पैसिव भी डिक्लेयर हो चुका है यार, अभी उसको गाइस 20 सेकंड के अंदर उसको गाइस पॉइंट लेना है, अगर उसको पॉइंट नहीं लेते दोस्तों तो अपने अपने किर्गिस्तान के प्लेयर को एक पॉइंट मिल जाएगा, तो देखते भाई अभी होता है क्या, लेट्स सी। बोरिंग मैच यार, बोरिंग मैच मेरे भाई, लिटरली बोरिंग मैच यार, बोरिंग मैच दोस्तों, कुछ खास देखने मिला नहीं। अटैक पे कोशिश यहाँ पे, और ये टेकडाउन हो सकता है, यहाँ पे टेकडाउन हो सकता है, एक पॉइंट उसको मिल जाएगा यार पैसिव वाला, और यहाँ पे अरे बात कसम यार, एंड मोमेंट पे दोस्तों भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे यार, और हमें 2 पॉइंट वापस भी दे दिए यार, जब 2 पॉइंट वापस भी दे दिए, बहुत ही बेहतरीन यार, व्हाट अ मैच, मैं बोल रहा था यार बोरिंग मैच, लास्ट के 10 सेकंड में दोस्तों ये मैच में दोस्तों मजा आता हुआ दोस्तों यार, पहले 2 पॉइंट, 1 पॉइंट उसको इसका टेक्निकल पॉइंट का मिला था उसका 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट अपने जो किर्गिस्तान के प्लेयर ने लिए, स्कोर हुआ दोस्तों 3-2, और फिर एक रिवर्स मारा विकी ने, तो उसी के साथ दोस्तों स्कोर दोस्तों हो जाता है 4-3, बहुत ही बढ़िया गाइस।
बहुत ही अच्छा मैच, मजा आ गया दोस्तों, लिटरली मजा आ गया यार। यही तो मैच चाहिए यार, यही तो मैच चाहिए दोस्तों, ऐसे ही तो मैच चाहिए यार, यही तो दोस्तों मैच चाहिए दोस्तों, यही तो मैच चाहिए यार। व्हाट अ ट्विस्ट यार, व्हाट अ ट्विस्ट लिटरली मेरे भाई, मजा आ गया दोस्तों, मजा ही आ गया दोस्तों, मजा ही आ गया। चलो यही ऐसे ही मैच देखने मजा आता है दोस्तों, अरे यही मैच देखने मजा आता है दोस्तों भैया। और ऋतुराज पाटिल भाई, मंगल कादियान हार गया मैट एपी, ओके मंगल कादियान हार गया मैट एपी, ओके ओके मेरे भाई ठीक है। आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड देयर रूट कुमार अनिरुद्ध नंबर वन, ओके वो नंबर वन नहीं फिर भी नंबर वन लिखा है, ओके ओके ठीक है यार, हारे यार, ओके अपने बेसर भाई ने पहले लिखा था हार रहे और फिर उन्होंने लिखा विक्की बॉल, ट्विस्ट मेरे भाई, ऐसे मैच देखते मजा आता है यार। ब्रो ऋतुराज पाटिल भाई मंगल कादियान हार गया 10-0 से हार गया, ओके 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 भाई, उसको अभी रैपिड चार्ज में मौका मिलेगा ना ब्रो, उसको अभी रैपिड चार्ज में मौका मिलेगा। ईरान जापान रशिया, इन तीनों में से इस किसको तू सबसे बेहतर देश बोलेगा? ईरान जापान रशिया, आई विल टेक रशिया मेरे भाई, रशिया तो या मेरे भाई रशिया, इवन जापान भी अच्छा है मेरे भाई, इवन जापान भी अच्छा है ब्रो, तो या इवन जापान भी अच्छा है। वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई गई, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सभी, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार? अब मैच सचिन ने कुछ बोला, सचिन शुक्ला, ईरान विल बी 125, ईरान विल विन 125 के जी, ओके ओके ठीक है, उन्होंने वो बोला था तो ठीक है। अभी कमेंट्स आपके कुछ छूट गए क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कमेंट करो क्या मैच था लास्ट मोमेंट में ट्विस्ट में मैं बाजी पलटी, मजा ही आ गया ब्रो, मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया मेरे भाई, मजा ही आ गया। तो यार ब्रो मजा आ गया बैठे, मजा आ गया बैठे, बट मजा आ गया बैठे। अभी अपना मतलब एक क्वार्टर फाइनल में हम हार गए ना, मतलब एक क्वार्टर फाइनल में एक सेमीफाइनल में हम हार गए, या मंगल का दिन लॉस बाय 10-0 पता चला मेरे को मेरे भाई। तो अभी उसको वो रैपिड चार्ज खेलेंगे, मेरे भी वो रैपिड चार्ज खेलेंगे ठीक है। और एक सेकंड जो आपको मुझे बात बतानी थी, अपना अगला मैच कब है मेरे भाई, अपना अगला मैच कब है, लेट्स रिफ्रेश दिस। ये अनिरुद्ध कुमार के सामने वन लिखा है, ओके ओके, क्यों गलती से लिख दिया होगा मेरे भाई, शायद से गलती से लिख दिया होगा ब्रो। दीपक पुनिया के क्वार्टर फाइनल के लिए भी टाइम है, दीपक पुनिया के क्वार्टर फाइनल के लिए टाइम है यार, चलो बढ़िया है। अभी अपने दोस्तों दो मैचों के बाद, दो तीन मैचों के बाद दोस्तों अपना मैच होने, तो टाइम है यार, अभी अपने मैचों के लिए भी दोस्तों टाइम है। अभी अपने गाइस दो और गाइस क्वार्टर फाइनल बचे हैं, मैच बहुत खतरनाक था, अरे मैच देख के मजा आ गया मेरे भाई, मैं देखे तो मजा आ गया ब्रो, ऐसे मैच देखने का दोस्तों और मजा आता है यार, ऐसे मैच देखने का दोस्तों और मजा आता है। वाह 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 राम जी, यू गॉट रैपिड चार्ज इन क्वालिफायर आल्सो, यू गॉट अ रैपिड चार्ज इन क्वालिफायर आल्सो, ओके ओके ठीक है मेरे भाई, मैं वो कंफर्म कर रहा था मेरे भाई, मैं वो कंफर्म ही कर रहा था ब्रो। तो यार मेरा कमेंट कौन सा कमेंट भाई, फिर से लिख दो मेरे भाई, फिर से लिख दो यार, फिर से लिख दो मेरे भाई, फिर से लिख दो ब्रो, फिर से लिख दो। वाह 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 राम जी, छोड़ क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। ये किस हिसाब से बोरिंग मैच, अरे भाई स्टार्टिंग है भाई मेरे भाई, अगर आपने उसके मतलब स्टार्टिंग देखा ही नहीं मेरे भाई, इसका मतलब मेरे भाई आपने स्टार्टिंग देखा ही नहीं ब्रो। जो मैच में ट्विस्ट आया मेरे भाई वो लास्ट के 20 सेकंड में, जो रेसलिंग हुई मेरे भाई वो लास्ट के 20 सेकंड में हुई है, स्टार्टिंग में सिर्फ दो अपने टेक्निकल पॉइंट मिल गए थे उसको, फिर एक टेक्निकल पॉइंट उसको मिल गया, अपने टेक्निकल पॉइंट अपने क्या उसको बोलते हैं अपना क्या उसका नाम है किर्गिजस्तान के प्लेयर को मिल गया, फिर उसने भाई साहब उसने ये किया था टेक डाउन किया था उसको, दो पॉइंट मिल गए, फिर अपने रवि कुमार को मैं पॉइंट मिल गया। तो जो भी मेरे भाई हुआ यार लास्ट के 20-30 सेकंड में हुआ है मेरे भाई, तो यार ब्रो लास्ट के 20-30 सेकंड इंटरेस्टिंग थे, बट पूरा मैच मेरे भाई क्या ही बोलूं मैं। ईरानी में मैंने इसका आंसर दिया था मेरे भाई, इसका आंसर मैंने दिया था, इसका मतलब आप मेरे भाई पूरी स्ट्रीम नहीं देखते मेरे भाई, इसका मतलब आप पूरी स्ट्रीम नहीं देखते मेरे भाई। तो यार अभी मुझे पता चल गया मेरे भाई, अभी मुझे पता चल गया ब्रो। तो यार रशिया रशिया ऑफकोर्स यार रशिया मेरे भाई, रशिया मुझे जापान भी अच्छा लगता है मेरे भाई, तो यार अगर मेरी प्रेफरेंस की बात करूं मेरे भाई मुझे अच्छा लगता है रशिया और जापान। हो भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, नाउ इट्स बेटर गाइस, नाउ इट्स बेटर। मस्ती थ्रेड ने सैडी सैडी इमोजी वाला ये डाला यार, क्या हुआ मेरे भाई क्या हुआ? अभी अपना मैचेस के लिए दोस्तों अभी थोड़ा टाइम है, दोस्तों अभी मैचेस के लिए टाइम है। मैंगो माय फेवरेट फ्रूट, ओके ओके आपका फेवरेट है, जापान वुमन में है लेकिन ओवरऑल रशिया बेहतर, ऑफकोर्स ऑफकोर्स मेरे भाई ऑफकोर्स यार।
ओवरऑल तो रशिया मेरे अच्छा है, मेरे ओवरऑल रशिया अच्छा है। दीपक पुनिया का मैच कब होगा? दीपक पुनिया का मैच मेरे भाई होगा, टाइम है अभी भी, टाइम है मेरे भाई, अभी 3 मैचों के बाद होगा मेरे भाई, 3 4 मैचों के बाद होगा मेरे भाई मैच, तो यार टाइम है मेरे भाई, अभी भी टाइम, समय है इंडिया के मैचेस का। अनिरुद्ध अनिरुद्ध के मैच के लिए भी समय है मेरे भाई, अनिरुद्ध के मैच के लिए भी समय है, उसके लिए भी मेरे भाई समय है, 10 15 मिनट है, 15 20 मिनट है। नॉट सैड इट इज एटीट्यूड, यार ये मेरे ख्याल से एटीट्यूड का सेकंड वाला तो मैं समझ सकता हूँ, पर सेकंड वाला तो मेरे भाई सैड ही था यार, पहला वाला मुझे सैड था और सेकंड वाला एटीट्यूड वाला था। तो यार ब्रो तो देखते वाले भी क्या होता है, अपने कितने बज चुके, मुझे शादी में जाना है, कितने बजे निकलूंगा मैं, 11 बजे निकल जाऊंगा तो होप अपने तब तक ये सारे मैचेस हो जाए यार, तब तक अपने सारे, बिकॉज मुझे भी अपना बैडमिंटन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है वो भी मुझे अपलोड करना है, तो बहुत सारे दोस्तों काम है, भी बहुत सारे काम है, उसका थंबनेल भी बनाना है। लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ द वर्क, ओ हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे कमोरिया दिल के। इंडिया भी बहुत बड़ा देश है कुश्ती में, बड़ा तो नहीं मेरे भाई, बड़ा तो नहीं यार, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते मेरे भाई, तो यार या 2 days to go एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, या उसके ऊपर आपको मेरे भाई आज वीडियो मिल जाएगी, आज डालू क्या कल डालू मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज डालू या कल डालू, कल डालू या परसों डालू, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कल। ओके यार मेरे भाई बोल रहे कल अपलोड करो, ठीक है ठीक है ठीक है, कल अपलोड कर देता हूँ यार, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो। ओके ब्रो ओके ठीक है, मैंने मेरा वीडियो हो चुका है रेडी यार, वीडियो तो मेरा रेडी हो चुका है मेरे भाई, बस अपलोड करना है। सुबह क्या जाएगा शादी में, सुबह क्या जाएगा, सुबह मतलब भाई 11:30 बजे हमारे पे, 12 बजे का शादी है मेरे भाई, 12 बजे का शादी है ब्रो। तो यार और जो बाकी के लोग अपने देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो गाइस यार, 17 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 6 ही लाइक है, मुझे समझ में नहीं आता लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे दोस्तों, लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे गाइस, लाइक दोस्तों बढ़ने चाहिए ना गाइस, लाइक तो बढ़ने चाहिए ना गाइस, तो प्लीज यार लाइक कर दो, तो गाइस फटाफट से दोस्तों लाइक पर लाइक कीजिए भाई। चेस वी आर गुड, चेस चेस वी आर ऑफ कोर्स यार, चेस वी आर गुड मेरे भाई, जिसमें हमारे अभी यंगस्टर्स में हमारे अच्छे कर रहे हैं। चेस का कमेंट्री मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई, चेस का कमेंट्री मैं नहीं कर पाऊंगा यार, चेस का मैंने देखा है लोग लोग जो कमेंट्री करते हैं यार उसमें, यार मुझे मजा ही नहीं आएगा, मैं तो अगर मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं कमेंट्री करके कोई मतलब नहीं ना मेरे भाई, मेरे लिए मजा इंपॉर्टेंट है यार। चलो बता दे अब क्या हुआ रेसलिंग में, अभी यार रेसलिंग में मेरे भाई अपने दो, एक अपना एक प्लेयर विकी अपना भाई सेमीफाइनल में जा चुका है ब्रो, मंगल का दिन है लॉस्ट इन अपने, मंगल का दिन मेरे भाई अपना हार चुका है इन क्वार्टर फाइनल मैचेस, जो अपना यश था मेरे भाई, यश यश तो अपना क्वालिफाई नहीं कर पाया क्वार्टर फाइनल के लिए मेरे भाई, अपना क्वालिफाइंग मैच हार गया। तो यार ब्रो अभी मंगल का दिन अपना रेपीचार्ज खेलेगा और विकी अपना सेमीफाइनल खेलेगा, दीपक पुनिया का मैच है जो अपना, दीपक पुनिया का क्वार्टर फाइनल मैच है मेरे भाई वो भी हुआ नहीं है, और अभी और एक प्लेयर अपना उसका नाम है, उसका नाम है मेरे मेरे ख्याल से उसका नाम है अनिरुद्ध, उसका नाम है अनिरुद्ध, तो अभी उसका भी अपना, उसका भी अपना मेरे भाई क्वार्टर फाइनल मैच होने वाला है। तो भी अपने मेरे भाई दो क्वार्टर फाइनल मैच बचे हैं, एक अपना सेमीफाइनल में जा चुका है, एक अपना रेपीचार्ज खेलेगा और एक अपना प्लेयर बाहर ही हो चुका है लगभग, या लगभग बाहर जो बाहर हो चुका है उसको भी रेपीचार्ज में खेलने मिलेगा, बट अगर उसका प्लेयर उसकी जिससे वो हारा है मेरे भाई, कौन सा प्लेयर था उज्बेकिस्तान के प्लेयर से हारा था वो मेरे ख्याल से, अगर वो अगर अगर मेरे भाई अगर वो पहुंचता है फाइनल में तो उसको रेपीचार्ज मिलेगा मेरे भाई, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है ब्रो, लेट्स सी क्या होता है देखते हैं। दीपक का मैच ऑफकोर्स मैंने वही बोला मेरे भाई, दीपक का मैच अभी है मेरे भाई, तो यार तू भी जल्दी से शादी कर ले और अपना आपको कितने देर तक रोक के रखेगा, अरे मेरे भाई यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे भाई, कितने देर तक रोक के रखेगा ब्रो, यहाँ पे किर्गिजिस्तान वर्सेस उज्बेकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है मैट भी अपने अगले मैचेस कौन से कोर्ट में होने वाले, अभी अगले मैचेस किस में उसमें होने वाले जरा वो मैं देख लूँ, अगले मैच अपने लाइव स्ट्रीम में जरा चलता हूँ मैं, अपना कोर्ट ए में अपना मैच होगा कोर्ट ए में, लेट्स अपडेट दिस, समय है यार अभी भी बहुत समय है दोस्तों, अभी भी बहुत समय है। विक्की का देखो अभी सेमीफाइनल मैच अभी लाइंड अप होता हुआ, विक्की का सेमीफाइनल दोस्तों मैच अभी लाइंड अप हो चुका है यहाँ पे यार, तो ये अच्छी बात है, देखते क्या होता है। थोड़ी मम्मी एक सेकंड ना, मम्मी दोस्तों मुझे बुला रही, आई विल बी बैक इन 20 सेकंड दोस्तों, 20 सेकंड
दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक वेलकम बैक। ढिंचक 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 ढिंचक। माइक ओके प्लीज, माइक ओके प्लीज। यू वॉच यस्टरडे कमेंट्स ऑफ ईरान रेसलर हु वॉन 9। ही सेड ही थिंक इंडिया। यू वॉच यस्टरडेज कमेंट्स ऑफ ईरान रेसलर हु वॉन 9 9। ही It won, who won India 9-9, he said. ओ माँ चुदी, तो इज्जत उतार दी मेरे भाई, तो इज्जत उतार दी ब्रो यार, ये तो इज्जत उतार दी मेरे भाई। ओके ईरान रेसलर हु वॉन इंडिया 9-9, ही सेड आई थिंक ही थिंक इंडिया ओपोनेंट सो 10-0 विन बट गेट अ टफ फाइट। घिंचोदी, तो इज्जत उतार दी मेरे भाई, ये तो इज्जत उतार दी ब्रो यार, ये तो इज्जत उतार दी मेरे भाई, तो इज्जत, ये तो भाई मेरे भाई इज्जत उतार दी यार ईरान वाले ने मेरे भाई। तेरे शादी में अच्छा खाना नहीं नहीं किया है ना, तो तेरे शादी में अच्छा खाना, अरे खाना ही अच्छा होगा मेरे भाई। अरे अभी मैं मेरे भाई अभी मैं शादी के लायक भी नहीं हुआ मेरे भाई, आई एम जस्ट 19 मेरे भाई। मैं आपको बहुत से लोगों को लगता हूँ कि मैं बहुत बुढ़ा हूँ यार, सैडली, बट मैं दोस्तों इतना बुढ़ा नहीं हूँ यार, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ दोस्तों। यार ये ऐसा एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड मेरे भाई हमें भी आना चाहिए यार, ऐसा एटीट्यूड मेरे भाई हमें भी आना चाहिए ब्रो, तो मजा आएगा। मैचेस मैचेस टाइम यार, मैचेस को टाइम है मेरे भाई, क्या करो अभी। मैं वही सोच रहा हूँ क्या किया जाए। मीर की शादी है, अरे यार ये सब लोग अभी यार भी शादी वर्ड मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा यार, मुझे भी अपने कॉमेंट जो आते हैं ना उसमें मुझे शादी वर्ड ब्लॉक करना पड़ेगा, तो अब मेरा अब मुझे कमेंट ही नहीं लिख पाओगे। शादी वेडिंग सारे सारे शादी रिलेटेड जितने भी ये शब्द है ना दोस्तों, ये मुझे उड़ाने पड़ेंगे अभी। हो या करवली बापा मोरिया। चलो बस ठीक है, अभी आपके कई छोटे कॉमेंट्स पढ़ लूंगा, मजा नहीं आ रहा है मैच जब नहीं होता दोस्तों तो, और मैच के बीच में बहुत सारे लोग बात करेंगे, अभी जब मैच खत्म हो तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्या ही बोलो अभी यार, मैं क्या ही बोलूं मेरे अभी, मैं क्या ही बोलूं यार मैं। जब मैच चल होता है तब सब लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे, बट जब मैच खत्म होने के बाद क्या क्या हो जाता है लोगों को मुझे समझ में नहीं आता यार। ये वाला अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ओ ढिंचक 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 ढिंचक। हाँ नाउ गो ऑन WWE, ये मैंने चेक कर लिया मेरे भाई, आपने जो बोला था ना मेरे भाई, मैं पहले मैच से पहले चेक कर लिया था मेरे भाई, बट आपकी फिर से एक बार मैं चेक कर दूँ, आपने जो बोला था ना मेरे भाई टीम का जो रैंकिंग था मेरे भाई, वो ने चेक कर लिया था मेरे भाई, तो यार बट एक बार फिर से आपके लिए चेक कर लेता हूँ मैं। कहाँ गया यार वो, कहाँ गया। इंडिया का 95 रैंक है, इंडिया का 95 पॉइंट था, ईरान का 391 पॉइंट था, जापान का कुछ 56 समथिंग ऐसे कुछ तो था ना मेरे भाई, तो यार एक सेकंड, मैं किस में गया था यार, मैं किस में गया था, मैं इसमें गया था ना, मैं एशियन के इसमें जाने के बाद भाई साहब आ गया था मेरे को, बट अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा मेरे भाई, अभी नहीं आ रहा है। ब्रेक नाउ गो ऑन ब्रेक, ओके ब्रेक, ठीक है मस्ती फ्रेंड ऐसा कर रहा है। किस में जाए मेरे भाई, अभी अभी मुझे बताओ मैं जा, बट ईरान विल ओवरटेक अस टुडे, ऑफ कोर्स मेरे भाई, बट मुझे बताओ मेरे भाई किस में, किसके अंदर जाए, किसके अंदर जाए मेरे भाई। अभी मैं हूँ WWE के अंदर ही हूँ मैं, तो एक बार मैं वही सीधे आपको दिखाऊंगा, अगर वरना मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा दिया तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगा ब्रो, उसके लफड़े में जब भी रिस्क में नहीं पड़ना है ब्रो, तो यार मुझे एक बार फिर से बता दो ब्रो कि मेरे भाई बढ़िया खाना खिलाइएगा ना। अरे यार बढ़िया खाना भी यार, मैं तो जाता हूँ यार, मैं तो शादियों को हर्न करता हूँ मेरे भाई, मैं तो अभी हमारे आस पास में किसकी भी शादी होती है मैं जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ अपना एक अच्छा एक कपड़ा पहनने का, एक शर्ट एक पैंट और घुस जाने का शादी के अंदर, कोई कुछ नहीं पूछता। इंडिया फिनिशेड सेकंड इन लास्ट 3 मेंस फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग, ओके 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 ठीक है, ओके मतलब लास्ट 3 मेंस फ्री स्टाइल रैंकिंग, ओके ओके ब्रो। कल कादियान को हमने अंडर एस्टिमेट मत करना, गो टू टीम रैंकिंग, क्योंकि टीम रैंकिंग ही सेकंड, बट मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे भाई टीम रैंकिंग का यार, मुझे पहली बार दिख रहा था ब्रो, अभी मुझे टीम रैंकिंग का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, पहले मुझे दिख रहा था मेरे भाई, अभी मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिखा, अभी दिखा, अभी दिखा, अभी दिखा, अभी दिखा, वटा 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 तू वटा तू वटा तू वटा 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 तू वटा तू वटा तू वटा।
या ब्रो भैया ईरान भी पीछे छोड़ सकता है मेरे भाई, ईरान पीछे छोड़ ही देगा मेरे भाई तो, या ईरान तो पीछे छोड़ ही देगा, 91 के साथ भी है वो। पाकिस्तान को भी 4 पॉइंट मिले मेरे भाई, पाकिस्तान को 4 पॉइंट मिले, श्रीलंका को तुर्कमेनिस्तान को मेरे भाई कितने पॉइंट मिले, उनको 30 पॉइंट मिले मेरे भाई। ओके ठीक है, वटा 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 तू वटा तू वटा तू वटा 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 तू वटा तू वटा तू वटा। चॉइस बढ़िया है। कुछ अपनी लेटेस्ट हॉकी सेंसेशन मुमताज खान के बारे में बताओ। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हॉकी देन देन दिस बकवास आईपीएल। मतलब उसके बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मैंने एक पोस्ट देखा था यार, वो आई थिंक सो एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी है मेरे भाई, वो एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी है जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है ब्रो। तो यार उसके बारे में थोड़ा और देखो यार हिस्ट्री दे, आई विल, मुझे कोई वीडियो मिल जाए ना मेरे भाई तो मजा आ जाएगा यार, कोई वीडियो मिल जाए तो यार ब्रो। फ्राइड राइस ज्यादा बिरयानी का ज्यादा अच्छा लगता है, तेरा फ्राइड राइस बिरयानी के ज्यादा अच्छा लगता है बिरयानी मेरे भाई, बिरयानी इज लव मेरे भाई। आज के थ्रिलिंग फाइनल्स पैरा बैडमिंटन, ओके सो सैड फॉर आरसीबी। आरसी तो मैं तो चाहता था 49 पे ऑल आउट हो जाए मेरे भाई, वो 49 पे ऑल आउट हो जाए यार। डीके डग आउट कोहली या ब्रो, डीके विराट इट इज इन राइट कॉर्नर या अभी। आपको मैं शेयर, अरे मैं आपको शेयर करने भूल गया मेरे भाई, आपको मैं शेयर करने भूल गया, मैं कितना चूतिया हूँ यार। आपको इसमें मैंने देखा था बट मैं आपको मैं शेयर करने भूल गया। ओ अखिया कर जी हुजूरी मांगे है कद की दूरी। ये देखो बढ़िया दोस्तों बढ़िया, 95 पे है अपनी इंडिया, 91 पे है ईरान, 76 पे है जापान, 60 पे है मंगोलिया, किर्गिजिस्तान है दोस्तों, किर्गिजिस्तान है अपनी 56 पे, अगर कजाकिस्तान है 56 पे, ओके वो दोनों टाई है यार, उज्बेकिस्तान है 47, कोरिया है अपनी 36। ठीक है बढ़िया है बढ़िया है, उज्बेकिस्तान अपना है 47 पे, तो यार दोस्तों ये अपना स्कोर है, तुर्कमेनिस्तान 30 पे है या ब्रो। ज्योति वर्सेस ओलिविया, नटराजन मार्को जॉनसन ऑन फायर ऑफ कोर्स ब्रो। कैरमेन वर्सेस नीथिया, वो कितने बजे मैच होगा मेरे भाई। कजाकिस्तान नॉट प्लेइंग गुड इन दिस टूर्नामेंट, ओके कजाकिस्तान नॉट, वो यार वो इतने नीचे नहीं रहते वरना यार मेरे भाई, वो इतने नीचे रहते नहीं है। तू लाइव कहाँ देख रहा है, मैं लाइव देख रहा हूँ मेरे भाई ये मैच। वेबसाइट को मैं आज लिंक पिन करना भूल गया मेरे भाई, इस वेबसाइट को मैं लिंक पिन करना भूल गया, एक सेकंड जरा लिंक में पिन कर देता हूँ मेरे भाई, इस जरा लिंक में पिन कर देता हूँ इसका। वटा वटा मम्मी 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 ढंग 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 ढंग। ठीक है सारे, गेट मंत्रा हेलो हेलो गेट मंत्रा हेलो गेट मंत्रा गाइस प्लीज यार, इफ यू हैवंट लाइक द स्ट्रीम गाइस लाइक कर दो यार, लाइक कर दो दोस्तों, लाइक फ्री में होता है दोस्तों, लाइक फ्री में होता है तो आप गाइस फ्री में लाइक कर सकते हो, प्लीज गाइस लाइक कर दो। हां आपको दोस्तों मैंने पिन करके रखा है, या इसको मैंने पिन करके रख दिया है। सेकंड मैच इन BD1, सेकंड मैच इन BD1, हे भगवान ये क्या था, मैं डर गया। अरे डर गया मतलब मेरे भाई आपसे तो मेरी फट गई थी मेरे भाई, आपसे तो मेरी फट गई थी ब्रो। अरे वो स्क्रीन दिख गया, वो मैं वो स्क्रीन दिख गया था मेरे भाई, वो स्क्रीन दिख गया था ब्रो, अपना लाइव स्ट्रीम का स्क्रीन दिख गया था मेरे भाई। तो यार सोबर में बात कर, कोबल्सिस की बात कर, बड़े क्यों क्यों बोल रहा है। कोरिया से जापान का मैच चल रहा है मैट ए में, तो अपना इंडिया का मैच किसके बाद यार। या कोरियर से जापान के बाद कुमार अनिरुद्ध का मैच होने वाला है, तो कुमार अनिरुद्ध विल बी प्लेइंग गाइस इन 10 मिनट्स गाइस, वो 10 मिनट के अंदर खेलेंगे अपना मैच। और वही दोस्तों अगर मैं दीपक पुनिया की बात करूँ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाद उनका मैच है, और अभी वो वाले कोर्ट में कौन सा मैच चल रहा है जरा देख लेते हैं। प्रिया देखते भाई लोग क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पे अपना कोरियर से मंगोलिया का मैच चल रहा है बी में यार, कोरियर से मंगोलिया, तो अभी दीपक पुनिया के मैच का दोस्तों टाइम है, और अपना इनका मैच दोस्तों पहले लग जाएगा अनिरुद्ध का। देर आर नॉट शोइंग स्कोर कार्ड ऑल्सो, यार वही तो दिक्कत वाली बात है ना मेरे पे, वो स्कोर कार्ड का भी उनका ये दिक्कत वाली बात है। यू पिन रॉन्ग कॉमेंट, अरे यार यार अरे रिप्लेस पिन, या अभी अभी रिप्लेस कर दिया मैंने, अभी मैंने भाई रिप्लेस कर दिया है।
मैंगो आमरस बिमरस होना चाहिए शादी में, तो ही मेरे भाई मजा आएगा। आमरस बिमरस होगा ना मेरे भाई तो शादी में मजा आएगा। बड़े को क्यों बोलते छोटे? पता चलता है तेरे कपड़े में आ गए रे गोटे। आपको बता कुछ क्यों छोटे तो यार वी विल बी स्टार्टिंग द मैच। अभी कोरिया जापान वाला मैच स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? मैंने ओके मैंने पॉज करके रखा था, रुक चुके मैंने पॉज करके रखा था वाले मैच को। तो यार ठीक है मेरा कमेंट अनपिन। अरे मेरे भाई इसके बिकॉज यार मैंने अपना ये वाला पिन करना है ना मेरे भाई, अपना ये कमेंट पिन करना है अपना, जो रेसलिंग का जो लोग मैच देख पाएंगे यार वहाँ पे वाला कमेंट पिन करना था ब्रो। तो यार मेरा आम पर बहुत बड़ा आम्रोपली वाला सबसे फेमस हाफूस होता है मेरे भाई। सबसे पहले फेमस आम होता है मेरे भाई हाफूस आम, सबसे फेमस और सबसे अच्छे आम मेरे भाई। अरे रो क्यों रहो मेरे भाई, रो क्यों रहो यार, रो क्यों रहो मेरे भाई। रोया मत करो बुरा लग जाएगा, रोया ना करो बुरा लग जाएगा। ठीक है गाइस देखते भी कैसा कैसे सारे अपने मैचेस मूव ऑन होते हैं, कैसे अपने कैसे से मैचेस मूव ऑन होता है देखते भाई लोग क्या कैसे जाएगा यार, कैसे सारी चीजें सेटल्ड होंगी। 86 का फाइनल कौन से इसमें होने वाला है? 86 का फाइनल इसमें ही होगा यार। तो अपने यार दीपक पुनिया का उनके मैच के बाद उनका फाइनल सेमीफाइनल मैच फटाक से हो जाएगा यार। नॉट हापूस रीड माय पैरा कमेंट, एक सेकंड मेरे भाई, रीड एक सेकंड, एक सेकंड मेरे भाई। अब ब्राजील स्ट्रीमिंग नॉट गुड इन पैरा ऑल कोर्ट एट वन, मतलब समझ में नहीं आया मेरे भाई। थैंक्स टू पिन माय कमेंट। अरे नहीं मेरे भाई थैंक्स क्या अभी। ब्राजील स्ट्रीमिंग नॉट गुड इन पैरा ऑल कोर्ट्स एट वन, मतलब समझ में, इसका मतलब मैं समझ नहीं मैं पाया मेरे भाई। मतलब सारे कोर्ट का क्या वो एक ही साथ दिखा रहेगा मेरे भाई? सारे कोर्ट क्या वो एक ही साथ दिखा रहे क्या? देखो देखो इधर है ना मेरे भाई, रत्ना हाफूस वाले लोग यहाँ पे, हाफूस गया यहाँ पे है मेरे भाई, हाफूस गया यहाँ पे है। ओके ओके, मतलब एक बार मैंने उनका एक एक ही मैच का आई थी, मैंने एक ही मैच देखा था मेरे भाई। जरा एक बार मैं फिर से देख लूँ, जरा मैं अपना स्ट्रीम ऑफ है ना मेरा, स्ट्रीम ऑफ है ब्राजील का, एक बार जरा मैं फिर से देख लूँ। टीवी CBDDBDBDDD टीवी BCDD जरा देख लिया दोस्तों, टीवी BCDD जरा देख लिया जाए क्या है ये। देखो मैंने अपना हेडसेट ऑफ ऑन करके रखा था, कनेक्ट करके रखा था। स्किप एड, अच्छा मतलब उनका ऐसा है क्या, उनका जो मन किया वो वाला वो मैच दिखा दे मेरे भाई। उनका जो मन किया उनका, मतलब ऐसा उनका ये सिस्टम नहीं है कि कोर्ट वन इस पे दिखाएंगे, कोर्ट टू इस पे दिखाएंगे, कोर्ट थ्री इस पे दिखाएंगे, इनको जो मन किया वो वाला मैच दिखा देगा मेरे भाई, ऐसा सीन है इसका। ऐसा मुझे भी वैसे आई, देखो ये अचानक से व्हील चेयर दिखा दिया मेरे भाई, अचानक से व्हील चेयर दिखा दिया। ये कौन सी भगचौती है मेरे भाई, ये कौन सी भगचौती यार, ये कौन सा माल है मेरे भाई, ये कौन सा माल है मेरे भाई। डू वीडियो भाई, विल यू डू आईपीएल कमेंट्री टुडे? आईपीएल कमेंट्री नहीं मेरे भाई, मुश्किल होगा मेरे भाई, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा आईपीएल कमेंट्री आज, मुश्किल होगी मेरे भाई। तो यार आईपीएल कमेंट्री मुश्किल होगा मेरे भाई। तो यार मेरा अमरोपोली में जैसा गन है वैसा स्वाद विद पोर्चुगीज स्ट्रीमिंग, विद पोर्चुगीज स्ट्रीमिंग मतलब मेरे भाई पोर्चुगीज भी कोई स्ट्रीमिंग है क्या? मतलब उधर की कोई स्ट्रीमिंग आ रही है मेरे भाई? अगर है तो भाई लिंक भेज दो मेरे भाई, कोई है तो मेरे भाई लिंक भेज दो। आई लव यू कालम्बी, जो कि कच्चा भी मीठा लगता है, उल्टा कच्चा मीठा थोड़ी लगना चाहिए, कच्चा मेरे भाई खट्टा लगना चाहिए, खट्टा लगना चाहिए मेरे भाई, खट्टा लगना चाहिए। वो मजा नहीं आया कालम्बी में मेरे भाई, मजा नहीं है वो। त्रिपुरा पंदा वेलकम, वेलकम त्रिपुरा पंदा। अनिरुद्ध का मैच शुरू, एक सेकंड, नहीं अभी शुरू हो गया क्या मेरे भाई इतना जल्दी? क्या बात कर रहे हो, अभी बोले मैच में 5 मिनट आया मेरे भाई यार, 5 मिनट बोले मैच में। शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, ओके शुरू हो रहा है। चलो जब अपना कोई बख्शो दिन गाइस, नाउ वी विल सी गाइस अपना अनिरुद्ध वाला मैच। थैंक यू बताने के लिए यार ऋतुराज भाई, ऋतुराज भाई थैंक यू बताने के लिए। देखते भी अपना 125 kg का मैच है, अपना 125 kg का मैच है, देखते क्या होता है। लेट्स सी हाउ गुड विल प्ले अनिरुद्ध गाइस, अनिरुद्ध देखते कितना अच्छा खेलेंगे, लेट्स सी। कम ऑन अनिरुद्ध, कम ऑन अनिरुद्ध, अभी पैर पकड़ लिया दोस्तों यार, अनिरुद्ध ने अभी पैर पकड़ लिया बहुत ही बढ़िया। और अभी ये बाहर लेके जाएंगे यार, नहीं 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 चलो ठीक है, अनिरुद्ध ट्राइंग हार्ड है, अनिरुद्ध इज ट्राइंग हार्ड दोस्तों, चलो ठीक है। ये 125 में आपको ज्यादा पॉइंट गाइस देखने मिलेंगे नहीं यार, बिकॉज 125 है ऑफ कोर्स।
125 में ज्यादा पॉइंट देखने मिलेंगे नहीं। देखो 125 वजन मेंटेन करने के लिए भाई कितना समय लगता होगा ना मेरे भाई, इनको 125 मेंटेन करने के लिए भाई इनको कितना समय लगता होगा। और अभी यहाँ पे एम्पायर ने रोकने बोले यहाँ पे, लेट्स सी। ओके कुछ तो थोड़ा उनका वेस्ट का थोड़ा लफड़ा हो गया था उनका, ओके ठीक है थोड़ा वेस्ट गैस उनकी पूरे के प्लेयर के दोस्तों, तो वेस्ट ना कपड़ा दोस्तों का थोड़ा ये हो गया था, चिपक गया था बॉडी से, थोड़ा अंदर जा चुका था, तो उन्होंने गैस निकाल लिया है। देखते अभी पैर पकड़ लिया यार, अगर इसमें ऐसा होता अगर आप बड़े प्लेयर के दोस्तों अगर पैर पकड़ लेना, जो जो भारी प्लेयर होता है, जो लंबू लोग होते हैं, जो जो थोड़े फैटी लोग होते हैं, अगर उनका पैर पकड़ लेना यार, तो पैर से गिरने के चांसेस, बिकॉज उनका बैलेंसिंग इतना अच्छा नहीं होता मेरे, उनका इतना बैलेंसिंग इतना अच्छा नहीं होता भैया गाइस, तो वाइज उनका, तो उससे आप उनको हरा सकते हैं, उससे आप उनको हरा सकते हो अगर आप उनके अगर से अच्छे से पैर पकड़ लो तो। अभी अभी ओके कोरिया के प्लेयर को अभी दोस्तों अभी पैसे भी दोस्तों डिक्लेयर कर दिया गया, ऑफकोर्स यार वो पैसे उठा यार, उसने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, अपने जो अनुरुद्ध थे उन्होंने थोड़ा ट्राई तो किया, तो देखते वाले अभी होता है क्या, लेट्स सी। एसिक स्पॉन्सर है, ओके अपना एसिक स्पॉन्सर है इनका अनुरुद्ध का, देखते वालों भी होता है कि नंबर वन सीट सच में है क्या मेरे भाई, ये नंबर वन सीट सच में है क्या मेरे भाई अनुरुद्ध अपने, जरा दोस्तों मुझे बताओ इनके बारे में। और ये सेकंड सेमीफाइनल अपना गाइस, चलो एक पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों, चलो अभी अनुरुद्ध को अपना पहला पॉइंट मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। जो गाइस अपना जूम था दोस्तों वो 30 सेकंड के अंदर दोस्तों पॉइंट ले नहीं पाया, तो उसको इसके वजह से अपना अनुरुद्ध को अपना एक पॉइंट मिल गया, एक वन गाइस टेक्निकल पॉइंट। अभी पैर पकड़ लिया अनुरुद्ध ने, देखते क्या करता है वो, और ये फेंक दे, नहीं यार अच्छा बैलेंस, जरा फिर भी अच्छा बैलेंस दिखाया, 2-3 बार पैर पकड़े यार अनुरुद्ध ने, पर उसके बाद दोस्तों सक्सेसफुली उसको गिरा नहीं पाया यार वो, तो वही दोस्तों दिक्कत वाली बात है अपने अपने प्लेयर के साथ। तो लेट्स सी देखते हैं भी क्या होता है, 3:40 लेफ्ट, अभी 40 सेकंड के बाद दोस्तों अपना मिड गेम इंटरवल आ जाएगा, तो देखते वाले अभी होता है क्या, कोई नहीं कोई नहीं, कमान कमान अनिरुद्ध कमान, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए है यहाँ पे अनिरुद्ध ने फिर से पैर पकड़ लिया चौथी बार, अभी ये गिर जाए, गिरा दिया पीट के बल गिरा दिया, मतलब 4 पॉइंट मिलेंगे, सो 4 पॉइंट मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन। 5-0 बहुत ही अच्छा मूव दोस्तों, बहुत ही अच्छा मूव, आखिरकार दोस्तों ये काम में आ गया दोस्तों, आखिरकार काम में आ गया। चलो मैं बोला ना पैर पकड़ने के बाद बहुत कमजोर हो जाते हैं मोटे प्लेयर्स, मतलब जो हैवी कैटेगरी होते हैं जो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और भी दीपक पुणे का भी मैच अभी चालू होता हुआ गाइस, अरे बा कसम दोनों मैच एक साथ यार, दोनों मैच एक साथ। यहाँ पे अभी ब्लू वाले ने उसको चैलेंज लिया, ओके ठीक है दोस्तों, अभी कोरे के प्लेयर ने चैलेंज लिया है, तो अभी वो मैच के थोड़ा अभी उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी अपना दीपक पुणे का भी दोस्तों मैच देख लेते हैं, उसका ईरान के साथ दोस्तों मैच होने वाला है, लेट्स सी, ईरान के मुस्तफी के साथ मैच होगा, मुस्तफी के साथ, तो देखते वालों भी होता है क्या, कोई नहीं बढ़िया है। और दोस्तों चैलेंज का दोस्तों जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो आपको मैं बता दूंगा यार, देखते क्या होता है। चलो ठीक है, थोड़ी पैसिव रेसलिंग ही चल रही है दोस्तों यार, दीपक पुनिया दोस्तों और मुस्तफी के बीच में थोड़ी पैसिव रेसलिंग ही चल रही है, नॉट ज्यादा हाई वोल्टेज ऐसा वाला कुछ, नॉट ऐसा कुछ हाई वोल्टेज दोस्तों ड्रामा नहीं चल रहा है। तो यार भाई लोग देखते हैं अभी होता है क्या, कमॉन कमॉन इंडिया, कमॉन दीपक, कमॉन दीपक कमॉन। 1 मिनट का दोस्तों अभी वो वाले मैच में समय हो चुका है, अभी ये चैलेंज वॉन हो गया, चैलेंज जीत लिया दोस्तों, चैलेंज जीत लिया है। ओ माँ चुदी पड़ी है मेरे भाई, ये उल्टा हो गया यार, यहाँ पे जूम को तो 4 पॉइंट अभी मिल जाएंगे दोस्तों, अभी कोरिया के प्लेयर को 4 पॉइंट मिल जाएंगे यार। ओके माँ कसम भाई साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। चलो अभी फिर से भी अपने अनुरुद्ध ने पैर पकड़ लिया, अभी एक और पॉइंट उनको मिल जाएगा। चलो वो गए अभी कोरिया के प्लेयर को वो बाहर लेके गया यार, तो उसको उनको और एक पॉइंट मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देखते हैं दोस्तों भी होता है क्या, बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं ठीक है। 4-2 अभी अपना कोरिया का 4 और इंडिया का 2 अपने 125 के केजी वाले मैच में। और अगर दोस्तों अगर मैं इंडिया और अगर ईरान के मैच की बात करूँ तो अभी पैसिव डिक्लेयर हो चुका है, अभी अपने मुस्तफा दोस्तों भी पैसिव डिक्लेयर हो चुके, तो यार अभी उनको कैसे भी 30 सेकंड के अंदर पॉइंट लेना है उनको, अगर वो पॉइंट नहीं लेंगे तो आपको पता ही यार, अभी अपने दीपक पुणे को एक पॉइंट मिल जाएगा, तो लेट्स सी। और अभी अभी मिड गेम ब्रेक आ चुका है दोस्तों, ये अपने 125 के जी वाले मैच में, ईरान और कोरिया वाले मैच में, तो ठीक है उसमें थोड़ा ब्रेक है, देखते क्या होता है, लेट्स सी। दो मैचेस की कमेंट्री करने में मजा अलग आता है मेरे भाई, दो मैचेस की कमेंट्री करने का अलग मजा होता है, तो यार देखते वालों को भी होता है क्या। 3:52 लेफ्ट गाइस, 3:52 लेफ्ट, कमॉन दीपक, और भी टेक डाउन नहीं, बच गए, और भी टेकडाउन की कोशिश यहाँ पे, और ये टेकडाउन की कोशिश, नहीं यार नहीं,
कोशिश तो कर भाई, डिफेंस अच्छा है ईरान के प्लेयर का, तो डिफेंस अच्छा कर रहा है वो तो यार, ईरान प्लेयर इज गुड इन डिफेंस मेरे भाई। अभी अटैक दोस्तों अभी आता हुआ है फ्रॉम गाइस अनिरुद्ध से, अभी दोस्तों अटैक आता हुआ और ये अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं 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 ठीक है, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, चलो अभी टेक डाउन दोस्तों सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी स्कोर गाइस चल रहा है 4-4 गाइस, 4-4 बहुत ही बढ़िया। अनिरुद्ध दोस्तों अच्छा गाइस कमबैक किया है, और भी दीपक पुनिया ने भी दोस्तों एक पॉइंट ले लिया। कैसे पॉइंट लिया दीपक पुनिया ने यार, यहाँ पे देख लूँ मैं, दीपक पुनिया का दोस्तों पॉइंट कैसा था यार, देखना चाहिए जरा, थोड़ा पीछे जरा स्ट्रीम पीछे करके देख सकते हम लोग। ओके नॉर्मल यार, नॉर्मल उन्होंने किया था टेकडाउन, मेरे भाई नॉर्मल उन्होंने टेकडाउन किया था यहाँ पर, ठीक है। तो भाई लोग ठीक है, चलो देखते भी क्या होता है अनिरुद्ध वाले मैच में दोस्तों। 2:25, 2:22 बचे भाई लोग, तो देखते क्या होता है। अभी अपना ये वाला मैच रुका था, यहाँ पे दोस्तों 3:26 बचे ईरान वर्सेस, जो अपना दीपक पुणे का मैच है दोस्तों उसमें अपने 3:23 बचे हैं। और अगर मैं अगर बात करूँ जो अपना अनिरुद्ध का जो मैच चल रहा है उसमें 2:10 बचे, तो देखते हैं भी क्या होता है, लेट्स सी। अभी दोस्तों एक अटैक दोस्तों आता हुआ फ्रॉम गाइस कोरिया, कोरिया भी देखते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध अच्छा अच्छा डिफेंडिंग अभी आती हुई यार, अच्छी डिफेंडिंग अभी यहाँ पे दीपक पुणे को भी टेकडाउन करने में सक्सेसफुल हो चुका है यार ईरान का प्लेयर। एक ही पॉइंट उसको मिलेगा मेरे ख्याल से, नहीं किसको भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ओके अंपायर ने उसको किसी को भी पॉइंट नहीं दिया, तो ये गाइस हमारे लिए अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस गाइस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। सॉरी गाइस आपके मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, अभी उसके आई करूँ यार, अभी मुझे मैचेस देखने दोस्तों, तो यार आपके कमेंट पढ़ूंगा मैं बट अपना मैच खत्म होने के बाद, तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शॉर्टनेस हो कोई शॉर्ट नहीं, देखते भी होता है क्या, लेट्स सी। अगर गाइस अगर ये 4-4 अगर दोस्तों स्कोर चलता रहेगा तो कोरियन प्लेयर जीत जाएगा, बिकॉज उसका हाईएस्ट पॉइंट का नंबर उसका था ना दोस्तों, उसने 4 पॉइंट का दोस्तों दाव लगाया था, तो इसलिए दोस्तों अगर ये ऐसे दोस्तों स्कोर चलता रहेगा तो वो दोस्तों अपना मैच जीत जाएगा, देखते भी क्या होता है, लेट्स सी। 3-3 अभी स्कोर चल रहा है, 3-0 दीपक पुनिया 3 और यहाँ पे ईरान का 0 प्लेयर का 0। अब जोंग तो सभी टाइम पास ही कर रहा है अपना, जोंग अपना कोरिया का जो था ये था ना 125 kg में दोस्तों, जो जोंग है इस कोरिया का प्लेयर वो टाइम पास ही कर रहा है, तो यहाँ का देखते भी होता है, लेट्स सी। 1:03 लेफ्ट गाइस, 1:03 लेफ्ट अपने 125 kg वाले मैच में, अभी अपना दीपक पुनिया और गाइस उसमें अपना मिड गेम हाफ टाइम दोस्तों भी आ चुका है उस वाले मैच में, तो यार देखते भी होता है, लेट्स सी। और 2 पॉइंट अभी मिल जाएंगे अभी कोरिया के जोंग को दोस्तों, भी 2 पॉइंट और मिल जाएंगे यार, अभी देखते हो स्पिन करने में तो मुश्किल होता है यार, 125 में स्पिन आप क्या ही करोगे यार, 125 में आप स्पिन क्या ही करोगे, आपको बस टाइम पास करना है बस। अभी अरे एम्पायर सिटी बजा, स्पिन तो नहीं होने वाला, तो एम्पायर क्यों ही टाइम पास कर रहा है, चलो सिटी बजा मेरे भाई, सिटी बजा, टाइम जा रहा है यार, टाइम जा रहा है 30-30 का यार, टाइम जा रहा है लिटरली, टाइम जा रहा है यार, अभी अभी एम्पायर ने खड़े होने को बोला है। तो 27 सेकंड दोस्तों लेफ्ट यार अनिरुद्ध और गए जंग के मैच में, और अभी दोस्तों ईरान और इंडिया का दोस्तों भी अभी मैच अभी चालू होता हुआ, देखते दोस्तों ये वाले मैच में होता है, लेट्स सी। दीपक पुनिया का मैच दोस्तों भी अभी अपना दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, और अभी अपने दीपक पुनिया ने अभी एक टेकडाउन की कोशिश कर रहे हैं, वो देखते हैं सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, ये नहीं ये क्या कुछ किसको पॉइंट मिलेगा, देखते आई थिंक सो ईरान को एक पॉइंट मिल जाना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज वो बाहर लेके जाने में सक्सेसफुल हो चुका है यार इंडिया के प्लेयर को, दीपक पुनिया को, तो यार देखते हैं। अंपायर ने अब तक पॉइंट किसी को भी नहीं दिया दोस्तों, ये में एक पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा, पर गाइस ईरान ने भी चैलेंज किया दोस्तों, ईरान ने उसको चैलेंज लिया है, देखते क्या होता है, लेट्स सी। चैलेंज रिक्वेस्ट, चलो गाइस चैलेंज रिक्वेस्ट, चैलेंज मान भी लिया गया, देखते भी क्या होता है। और ये तो गाइस जाए अपने कोरिया और इंडिया का मैच, तो अभी कोरिया विल वॉन गाइस, 8-4 अभी दोस्तों स्कोर चल रहा है, तो यार 8-4 अभी का स्कोर चल रहा है, तो यार गाइस यहाँ पे टाइम खत्म हो गया दोस्तों, टाइम यहाँ पे खत्म हो गया, तो 8-4 के साथ दोस्तों जोंग ने अपना यहाँ पे मैच दोस्तों जीत लिया दोस्तों, जंग ने ये वाला मैच जीत लिया है 8-4 के साथ। और जैसे अभी चैलेंज चल रहा है, तब तक आपके मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ दोस्तों, तब तक आपके इसमें कमेंट पढ़ लूँ, लेट्स रीड योर कमेंट। अरे माँ कसम कितने सारे कमेंट यार, सॉरी दोस्तों इतने सारे कमेंट मिस हो गए, अरे माँ कसम इतने सारे कमेंट यार, कॉमेंट्री अनिरुद्ध कलम्बी तुम्हें का ओके, कॉमेंट्री इन पोर्चुगीज लैंग्वेज, ओके ओके ठीक है मेरे भाई। 125 का कितने मोटे रेसलर्स, अरे नहीं मेरे मोटे तो इतने नहीं लग रहे मेरे, उनका थोड़ा डोले शोले भी मेरे भाई, उनके थोड़े डोले शोले भी है। जंग लुक्स मोर बिगर, जंग लुक्स मोर बिगर या मुझे भी लगा मेरे भाई, मुझे भी लगा ब्रो, तो या अनिरुद्ध क्या सच में टॉप सीडेड है मेरे भाई, मुझे नहीं लग रहा मेरे भाई, तो या क्यों सच में टॉप सीडेड था मेरे भाई, सच में वो टॉप सीडेड था क्या, तो या ब्रो सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, ओके ओके सचिन का बर्थडे क्या मेरे भाई, ओके ओके ठीक है, सऊदी अरब के लोग मुंबई सिटी एफसी को ट्रोल कर रहे हैं, ये तो भाई नॉर्मल है मेरे भाई, ये तो नॉर्मल है ब्रो, तो ये तो नॉर्मल है मेरे भाई, ठीक है। दीपक इज आर लास्ट होप आउट ऑफ सीडेड मतलब मेरे भाई विकी बचा है, ऑफकोर्स यार विकी अपना सेमीफाइनल में जा चुका है मेरे भाई, तो यार
अभी अपना ये गाइस अपना मैच देख लेते, चलो अपना गाइस मैच देख लेते हैं। अपना वो चैलेंज एक्सेप्टेड नहीं हुआ था, ओके, वो चैलेंज को गाइस ये कर दिया गया था। ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग अभी आती हुई है दोस्तों, ब्लीडिंग अभी आती हुई यार ईरान के प्लेयर को मेरे ख्याल से। अरे रे ब्लीडिंग 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 4-0 अभी स्कोर चल रहा है दीपक पूनिया दोस्तों, उसके वजह से भी अपने उसके वजह से भी दोस्तों लीड है, तो यार ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनमीता जी, गुड मॉर्निंग। 125 केजो के लोग क्या खाते हैं? अरे अंडे खाते होंगे, घी खाते होंगे, दूध पीते होंगे मेरे भाई, तो यार ऑफकोर्स प्रोटीन तो चाहिए होता है मेरे भाई, प्रोटीन कार्ब्स ब्रो। अंडे तो भाई, अंडे तो विदाउट अंडे ये नॉनवेज के विदाउट तो भाई मुश्किल है मेरे भाई यार, बहुत मुश्किल है। दूध बादाम, दूध बादाम तो मेरे भाई बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि वेज में मेरे भाई प्रोटीन रहता नहीं, बट यार वेज में आपको बहुत खाना पड़ेगा मेरे भाई। अंडे तो मस्त है मेरे भाई, अंडे तो मस्त है यार, अंडे तो मस्त है। इवन चिकन मेरे भाई, इवन चिकन फ्राई, चिकन लेग पीस। जो गाइस अपने वेजिटेरियन दोस्त है उनके उनके लिए दोस्तों माफी मांगता हूँ आपको यार, मैं जो अपने वेजिटेरियन दोस्त है। चलो ठीक है गाइस, अभी अपना मैच में जरा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग उसकी रुक चुकी है, 2 मिनट दोस्तों भी बचे, 2 मिनट बचे अभी। दीपक मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में जाएगा यार, दीपक अपना सेमीफाइनल में जाएगा, तो नॉट डेट वरी। वीके तो अपना पहले से जा चुका है, मंगल कादियान हार गए, अभी अपने अपने अनिरुद्ध कुमार हार गए, वो खेलेंगे रैपी चार्ज में, तो वो एक दोस्तों अच्छी बात है। अभी अपने दीपक पुणे देखते हैं दोस्तों क्या होता है उनका, दीपक पुणे का दोस्तों देखते क्या होता है, लेट्स सी। दीपक पुनिया बढ़िया, दीपक बढ़िया, कोई नहीं। 4-0 भी स्कोर चले तो 4-0, लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों अभी होता है क्या। दीपक को अभी टाइम पास ही करना है मेरे भाई, दीपक को भी टाइम पास ही करना है बस, वो जितना दोस्तों अपना टाइम ज्यादा बिताएंगे कोर्ट के ऊपर गाइस उनके लिए वही अच्छी होगा यार, गाइस उनके लिए वही अच्छा होगा, जितना वो टाइम पास करते रहेंगे, जितना वो टाइम वेस्ट करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है गाइस। बिकॉज अभी थोड़ा एग्रेसिवली अभी खेल नहीं रहा है ईरान का प्लेयर भी दोस्तों, ज्यादा भी एफर्ट नहीं लगा रहा जितना दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ। इज नॉट नॉट डैट ट्राइंग हार्ड दोस्तों, इज नॉट डैट ट्राइंग हार्ड, तो देखते भी होता है क्या। 1 मिनट का दोस्तों अभी, लेस देन वन मिनट, देखते भी होता है क्या, लेट्स सी। कम ऑन कम ऑन दीपक, लास्ट का 1 मिनट बचा, अगर ये मैच दोस्तों जीत जाएगा तो मेडल के दोस्तों और करीब हो जाएंगे दोस्तों यार, मेडल के दोस्तों भी हम और करीब हो जाएंगे। और भी एक पैरों पे भी अटैक की कोशिश, पर नहीं संभाल लिया, पैर संभाल लिया दीपक पुनिया ने, देखते हैं दोस्तों भी होता है क्या। कम ऑन ईरान ने भी अटैक, अरे यार बिकॉज अभी दिक्कत वाली बात क्या ना, अगर एक दोस्तों अगर 4 पॉइंटर मूव लग गया दोस्तों तो हमारे लग सकते गाइस, तो हो पर कोई अनहोनी गाइस होना जाए, बस कोई अनहोनी होना जाए, तो यार गाइस देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। 26-27 बहुत ही बढ़िया, टाइम निकलता जा रहा है। अभी अभी अटेम्प्ट लिया यहाँ पे यार ईरान के प्लेयर ने, देखते क्या होता है, लेट्स सी। चांस अभी है नहीं, ठीक है, अभी पकड़ लिया यार दीपक पुणे ने उसके वेस्ट के ऊपर कैसे भी कमर पे पकड़ लिया यार, तो यार भाई लोग चलो अपना दीपक पुणे विल, दीपक पुणे हैज वॉन द मैच, दीपक पुणे हैज वॉन द मैच। अभी भी 7 सेकंड बचे, अभी भी 7 सेकंड बचे, बट कुछ हो नहीं पाएगा यार, दीपक चौहान, दीपक अपना ये मैच जीत जाएगा, दीपक अपना दोस्तों ये वाला मैच जीत जाएगा, तो यार दोस्तों बहुत ही बढ़िया। कबरे बयाने की बात है तू मत कर, कॉमन सेंस की बात कर, बड़े क्यों क्यों बोल रहा है छोटे, अरे वाह वाह वाह। और एक दोस्तों टेक डाउन जो भी आता हुआ है गाइस, और एक टेक डाउन, और एक दोस्तों यार 6-0 से दोस्तों हमने मैच दोस्तों जीत लिया है, 6-0 से दोस्तों बहुत ही बढ़िया। इंडियन मैक्सिमम रेसलर फ्रॉम हरियाणा वैन, मोर देन 75 पीपल आर वेजिटेरियन यार, 70 बट अरे रेसलर्स को विदाउट यार आपको अंडे तो खाने पड़ते मेरे भाई यार, अंडे तो खाने पड़ते मेरे भाई, तो यार काओ नहीं खाता मेरे भाई, काओ इंडिया में कोई नहीं खाता ब्रो, काओ कौन खाता मेरे इंडिया में। विकी का सेमीफाइनल कब होगा? अनिरुद्ध स्टार्ट्स अटैकिंग बट लो एनर्जी तो उसकी लूज हो चुकी थी यार, वो तो दिख रहा था उसके फेस में मेरे भाई, तो यार ब्रो देखते भी क्या होता है। दैट सेम ओके ठीक है, दीपक पुनिया मैनेज टू लॉस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, मैच सैन मेरिनो एस्टेट वॉज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग लॉस एवर, डेट सैन मेरिनो गाइज इज यूरोपियन चैंपियन दिस ईयर, ओके मेरे भाई ठीक है। सैन मेरिनो ईरान वालों की बात कर रहा हूँ, ओके ईरान वालों की बात कर रहे हो, ओके ठीक है। वी गोट मोर मेडल देन लास्ट ईयर, बजरंग पुनिया प्योर वेजिटेरियन है यार, मुश्किल होता है मेरे भाई यार, प्योर वेजिटेरियन होने के बाद भी ना मेरे भाई बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, तो यार होगा मेरे भाई होगा वेजिटेरियन ब्रो, बट वेजिटेर में इतना प्रोटीन मिल नहीं पाता मेरे भाई, इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता ब्रो, तो यार रशियन मी यूक्रेन मी हीरो, ओके ठीक है। दिस ईयर 15 मेडल, पिछले ईयर हमको 14 मिले थे मेरे भाई, तो यार अभी भी अपने और भी उसकी इंक्रीजमेंट थोड़ा और हो सकता है मेरे भाई, अपना और इंक्रीजमेंट मेरे भाई हो सकता है, तो लेट्स सी अगर और इंक्रीजमेंट मेरा हो जाए यार 15 का, अगर थोड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा 16-17 तो हो जाएगा।
बट हाँ वो गोल्ड मेडल की मेरे भाई आपकी है, ये बात तो सही है, पर हमारे पिछले बार 5 गोल्ड थे यार, तो वो भी मेरे पास बात है, और गोल्ड का वजन मेरे भाई थोड़ा ज्यादा होता है, उसने इंडो किया इंटर में कहा था, ओके ओके ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। प्रोटीन के सप्लीमेंट यार, सप्लीमेंट सप्लीमेंट के लिए होते हैं मेरे भाई, जो जो चीजें अंडों में है ना मेरे भाई, वो सप्लीमेंट में ठीक है मेरे भाई मिल जाती है ब्रो। बट दीपक पुनिया गोल्ड है, अगर ऐसा हो गया मेरे भाई मजा ही आ जाएगा ब्रो, अगर इफ अगर मैनेज टू विन गोल्ड मेरे भाई तो मजा ही आ जाएगा, देखते क्या होता है। अभी अपने दोस्तों गोल्ड मेडल मैचेस अभी कब होंगे, विकी का दोस्तों भी अपना सेमीफाइनल मैच होगा, अभी सेमीफाइनल एक ही साथ होता है ना मेरे ख्याल से, सेमीफाइनल दोस्तों एक ही साथ होता है, तो यार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दीपक पुणे का भी अभी अभी उसका अब तक गाइस मैच लाइंड अप नहीं हुआ दोस्तों, उसका भी अपना मैच लाइंड अप नहीं हुआ है, ओके ठीक है अभी अभी उसका लाइंड अप हो जाएगा 86 की केजी में दोस्तों, उसका मैच अभी लाइंड अप हो जाएगा, तो देखते भाई लोग क्या होता है। रैपिचा दोस्तों हम नहीं कर पाएंगे, रैपिचा हम नहीं कर पाएंगे, तो यार गाइस इस बार तो एक ही आया है, अभी देखते भी और कितने आते हैं, मैं देखते भी और कितने आते हैं ब्रो, लेट्स सी। अनिरुद्ध का भी काब है, और अनिरुद्ध का कब है, अनिरुद्ध का मेरे भाई भी उसका रैपिचार्ज होगा मेरे भाई, रैपिचार्ज ये ब्रॉन्ज अपने सेमीफाइनल के बाद होंगे मेरे भाई रैपिचार्ज, यार सेमीफाइनल के बाद मेरे भाई रैपिचार्ज होंगे, तो यार ब्रो अगर इस लाइक करो दोस्तों, प्लीज गाइस लाइक कर दो यार, प्लीज गाइस लाइक कर दो। इज नंबर वन सीडेड एज अदर डोंट हैव मच इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ओके ओके ठीक है मेरे भाई। दीपक पुना का मैच क्या है, क्या हुआ, क्या हो गया मेरे भाई, वो जीत गए ब्रो, दीपक पुना हैज वन मैच 6-0 मेरे भाई, 6-0 से उन्हें ईरान के प्लेयर को हरा दिया इन सेमीफाइनल मेरे भाई दोस्तों, यार मेरा भाई मेरा मेरा भाई, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट आईपीएल आउटसाइड साउथ एशिया आई थिंक, अरे क्या ही फर्क पड़ता है मेरे भाई, अभी उसके ऊपर हम रोज ही बात करते हैं, अभी उसके ऊपर मुझे भी इतना बात करने में इंटरेस्ट नहीं मेरे भाई, तो यार आईपीएल की भी और बुराई करने में मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं मेरे भाई, तो यार ब्रो बड़े को क्या बोलता छोटे, कपल में आ गए एम्स्टर्डम, आजकल मैंने एम्स्टर्डम सुना बहुत दिनों बाद, यार वी वॉन सिल्वर मेडल इन यस्टरडे आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप, ठीक है ठीक है। अरे वो कलम ने किया था मेरे भाई, कलम ने लाइव किया था ब्रो, कलम ने किया था ब्रो, कलम ने किया था लाइव उसके ऊपर, बट बाहर बहुत बैकग्राउंड वॉइस मेरे भाई बहुत आ रही थी कल, वो स्ट्रीम देखो यार, वो स्ट्रीम ना वो स्ट्रीम दोस्तों आप मिस मत करो यार, वो स्ट्रीम गाइस मिस मत करो आप, तो यार विकी का मैंने मैच अभी मैंने मैंने क्या बोला मेरे भाई, थोड़ा सुना भी करो मेरे भाई, विकी दीपिक पुनः जो भी सेमीफाइनल में मेरे भाई मैच एक साथ ही होंगे यार, मैट ए मैट बी मैट सी में सारे सेमीफाइनल मैचेस मेरे भाई एक ही साथ शुरू होंगे मेरे भाई, तो या ब्रो अभी या मंगोलिया के साथ उसका मैच होने वाला है, उसका मंगोलिया के साथ मैच होने वाला है मेरे भाई, तो या बड़े को क्यों बोलता छोटे। थर्ड सीडेड वर्सेस सेकंड सीडेड का मैच होगा दोस्तों मंगोलिया वर्सेस विकी, देखते क्या होता है वाला मैच में। दीपक पुनिया का आपका कैसे भी अपना मैच लाइंड अप हुआ नहीं मेरे ख्याल से, दीपक पुनिया का मैच लाइंड अप नहीं हुआ अब तक। मिर्ची मिर्ची तगले विरदी कतरे फिल्मी, तेरा भाई भी बहुत हार्ड है और गली में स्टार है और कुलाग बवाल है, शक्ल में स्कार है, दिल में से प्यार है, कौन 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 जरा कौन पे कॉल पे और पे, ओ माय गॉड इस गलती को तू ही तो जिम्मेदार। मेरा कमेंट अभी मैं बाल कटाने जाऊंगा अभी, ओके तो ओके ओके मेरे भाई कोई नहीं, कौन सा लो कमेंट मेरे भाई यार, कौन सा लो कमेंट ब्रो, कौन सा लो कमेंट है मेरे भाई, एक बार फिर से लिखो ना मेरे भाई, एक बार फिर से लिख दो ना मेरे भाई, एक बार फिर से लिखो ना मेरे भाई, प्लीज राइट वंस वन मोर टाइम यार, प्लीज राइट वन मोर टाइम मेरे भाई। व्हाई इंडियन क्रिकेट फैंस यूजुअली फाइट विद इंडियन फुटबॉल, भाई इंडियन क्रिकेट फैन नहीं लड़ते मेरे भाई, उल्टा ना इसका उल्टा होता है मेरे भाई, इसका उल्टा होता है ब्रो, जितना मैंने देखा है मेरे भाई इसका उल्टा होता है यार, क्रिकेट वाले लोगों को पढ़ी नहीं मेरे भाई, क्रिकेट वाले लोग नाम के लिए क्रिकेट देखते हैं और वो चले जाते हैं मेरे भाई, मैं जितना मैंने भाई नोटिस किया ब्रो, जितना मैंने नोटिस किया मेरे भाई, तो यार और कुछ कुछ चूतिया तो होते ही मेरे भाई, कुछ कुछ तो चूतिया हर हर एक स्पोर्ट में होते हैं मेरे भाई, कुछ कुछ फैन तो होते ही मेरे भाई, कुछ कुछ फैन तो चूतिया होते ही है, तो उसके बारे में अभी मैं क्या ही बोलूं। अरे मेरे भाई तो यार अभी यार देखो भी इतने अभी आपने ये फिर से इतना लिखूं, मेरा कमेंट ये अगर ये इसके जगह अगर आपने भाई फिर से लिख दिया होता मेरे भाई तो अच्छा होता। इंडियन फुटबॉल फैंस है, देखो पैशन कैसा होता है मेरे भाई, पैशन अभी पैशन तो भी पहले जो जो 2010 में जो क्रिकेट का पैशन था ना मेरे भाई जब मैं छोटा था, वो तो भी पैशन अभी थोड़ा उतरते आ रहा है मेरे भाई क्रिकेट में, तो यार जो 2010 में पैशन था मेरे भाई अपना क्रिकेट का, वो तो अभी उतरते आ रहा है मेरे भाई, तो यार ब्रो इफ इंडिया लूज, अरे आप इंडिया की बात करो मेरे भाई, ये सब में होता है, आईपीएल का भी मैच अगर कोई हार गया तो फिक्स, अभी उस दिन जो नो बॉल किया था यार वो भी फिक्स ही बोल रहे थे सब लोग, तो यार ब्रो पिछले बार ग्रीको रोमन में गोल्ड आया था सुनील का, यार मुझे अपने दीपांशु मैंने बोला था यार वो कि वो पिछले पिछले बार का वो गोल्ड मेडलिस्ट है यार, तो यार ब्रो पिछले एशियन चैंपियनशिप में थे, वो
वो पिछले थे यार, पिछले के पिछले थे इतना मुझे पता नहीं मेरे तो यार, अगर आप बोले तो पिछले के होंगे तो यार ठीक है। बट इंडियन क्रिकेट फैंस गो आफ्टर फेम एंड मनी, सब लोग जाते हैं मेरे भाई, सब लोग जाते हैं ब्रो, सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं मेरे भाई, ये सब लोग का होता है मेरे भाई, सब लोग का होता है। बस अभी एक बाकी के स्पोर्ट में इतनी फेमस फेम नहीं है मेरे भाई, बाकी के स्पोर्ट में ना फेम नहीं, जब आपने फुटबॉल में भी आएगा तब भी आप देख लेना मेरे भाई, तब भी आप देख लेना। फेम और मनी के पीछे मेरे भाई सब लोग भागते, ज्यादातर लोग भागते हैं मेरे भाई, ज्यादातर लोग फेम और मनी के पीछे भागते हैं मेरे भाई, तो इसमें ना कोई क्रिकेट ये सब सेम ही है मेरे भाई। तो यहाँ बड़े को क्यों बोलता छोटे, अरे बाबू, अरे बाबू माता रिकॉर्ड मारी तुम्मा। गाइस क्या हो अब ना हो इंडिया का मैच रेसलिंग में, क्या बोलो क्या बोला भाई ने, मुझे समझ में नहीं आया यार। तुझे इतना मीठा नमकीन खट्टा करवा क्या अच्छा लगता है, तुझे इतना तुझे तीखा मीठा नमकीन खट्टा करवा क्या अच्छा लगता है। तीखा भी अच्छा लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है, नमकीन ठीक ठाक लगता है मेरे को, खट्टा भी, खट्टा करवा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरा। तो यार विराट कोहली पोस्ट एड्स एंड पिक्चर्स ऑफ बैटिंग प्रैक्टिस ऑन ट्विटर, ही हैज फॉरगॉटन हाउ टू बैट इन रियल लाइफ, ही इज नॉट, वो मेंटली हो चुका है मेरे भाई, वो थोड़ा मेंटली हो चुका है तो यार, वो थोड़ा मेंटली हो चुका है। आई एम टेलिंग वन थिंग, प्लीज डोंट टॉक अबाउट क्रिकेट, लिव इट स्पोर्ट, ऑल स्पोर्ट्स इवन स्पोर्ट क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स, always always because it's play India's game, of course यार, मैं तो इंडिया को भी सपोर्ट उसमें भी करता हूँ मेरे को यार। लेट्स मैं, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ यार, रेसलिंग के बारे में बात करते हैं, अपने बाकी के भाई लोग बात ही नहीं करते यार, अभी कितने लोग देख रहे हैं मुझे बताओ, अभी देखिए 15 लोग देख रहे हैं मेरे भाई, कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग ही बात कर रहे ब्रो, तो यार बाकी के लोग क्यों नहीं बात करते मुझे समझ में नहीं आता मेरे भाई। और रेसलिंग का भी अपना अगला मैच होने वाला है, मोस्ट ओवर हाइप पर्सन इन इंडिया, नहीं मेरे भाई यार, नो नॉट ओवर हाइप यार, उसके उतने उसके आंकड़े भी मेरे भाई उतने हैं मेरे भाई यार, तो यार तो इसका मतलब तो मेरे भाई CR7 भी ओवर हाइप है, मैसी भी ओवर हाइप है, सारे लोग ओवर हाइप है मेरे भाई, तो ऐसा तो देखा जाए तो सारे प्लेयर ओवर हाइप है मेरे भाई, ऐसा मैं इतना विराट कोहली का बिग फैन नहीं हूँ मेरे भाई, बट ऑफकोर्स जो बंदे ने किया वैसा वो तो उसको वो करता है यार डिजर्व, तो मैं कौन होता उसे छीनने वाला, जो उसने किया मेरे भाई वो आपके सामने है ब्रो। हाँ बढ़िया गाइस, बढ़िया ठीक है, चलो टुडे सचिन तेंदुलकर बर्थडे, या ब्रो सचिन तेंदुलकर बर्थडे मेरे भाई, लाइक अदर स्पोर्ट्स दे डोंट कम अंडर गवर्नमेंट, इसलिए तो मेरे भाई इसलिए तो मेरे भाई क्रिकेट आगे बढ़ रहा है मेरे भाई, और बाकी स्पोर्ट्स वाले नीचे गिर रहे ब्रो, तो या कंपैरेटिवली वो ये नहीं कर पा रहे ब्रो, इसलिए वो कंपैरेटिवली अच्छे से मॉनिटर बेसिस में मेरे भाई ये नहीं कर पा रहे, तो या ब्रो मस्ती, नो मेडल इन ग्रीको रोमन लास्ट ईयर, वही मैंने बोला ना, मुझे 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 लगा ही था मेरे भाई, मुझे लगा ही था, बिकॉज दीपांशु भाई ने बोला था मेरे को कि 2014 में उन्होंने विन किया, मतलब 2014 में, मतलब उसके पिछले के पिछले वो फॉर्मर थे मेरे भाई, तो यार जितना मुझे पता है, तो या मस्ती मस्ती भाई, या मस्ती भाई, या मस्ती भाई, या मस्ती भाई, हाँ यार आपको क्रिकेट से क्यों इतनी हेट है मेरे भाई, क्रिकेट से क्यों इतनी हेट है यार, मुझे समझ में नहीं आता ब्रो। मैच, ओ विक्की का मैच, विक्की का मैच अभी यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे अपना ईरान का, सारे सेमीफाइनल एक ही साथ शुरू होते हैं, सारे सेमीफाइनल एक ही साथ शुरू होते हैं, तो पहला दोस्तों अपना विक्की का एक सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा, दोस्तों अपना पहला विक्की का सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा, तो ठीक है। दीपक पूना के मैच का क्या हुआ, दीपक पूना हैज वॉन मेरे भाई, दीपक पूना हैज वॉन, अभी वो सेमीफाइनल में मेरे भाई जा चुका है स्वयं भाई, ही हैज गोइंग टू सेमीफाइनल, अभी उनका सेमीफाइनल का मैच होगा, तो साथ में देखेंगे मेरे भाई, तो यार एक सेकंड, उनका सभी अपना मैच लाइंड अप हुआ आएगा, उनका मैच लाइनअप क्यों नहीं हुआ अब तक यार, दीपक पुना अभी देखो अभी उनका मैच लाइनअप हुआ मेरे भाई, उनका बहुत लेट मैच है, उनका बहुत लेट मैच है यार ब्रो, इट्स नॉट गुड, बट चलो ठीक है क्या ही कर सकती, विकी का भी अपना मैच होगा, विकी के बाद अभी अपना तीसरा मैच मैट बी में उनका गाइस तीसरा मैच होने वाला है, मैट बी में उनका तीसरा मैच होने वाला है, तो दीपक पुना का विल बी आर गाइस लास्ट मैच टू ब्रॉडकास्ट, उसके बाद हम जाएंगे भाई, कल मनोज और प्रमोद दोनों हार गए यार ब्रो, या मेरे भाई सुना मैंने,
मुझे वेलकम नहीं किया। अरे वेलकम वेलकम मेरे भाई, वेलकम। अरे आपका ही चैनल है मेरे भाई, आपका ही चैनल है, आपके चैनल में आपको क्या ही वेलकम करूँ मेरे भाई। भैया आया भाई का कॉमेंट क्या था, मैं करवा खाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, डिलीशियस। ओके ओके ब्रो। या ब्रो दीपक का मैच हो गया मेरे भाई, दीपक का मैच हो गया ब्रो, दीपक का मैच हो गया। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मेरी इंडिया भाई, इंडिया के कितने मैचेस हो गए बच्चा। और कौन से क्वार्टर फाइनल देखो, अपने दो 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 प्लेयर मेरे भाई रैपिचाज में गए, दो प्लेयर अपने रैपिचाज में खेलेंगे बिकॉज वो अपना क्वार्टर फाइनल मैच हार गए, मंगल कादियान और अपने जो अपने 125 में अपने ये थे ना अनिरुद्ध, अनिरुद्ध वो होंगे मेरे भाई, वो होंगे ठीक है। अपने दो दो प्लेयर हो गए, और दो प्लेयर अपने सेमीफाइनल में जा चुके, विक्की और अपने दीपक पुनिया मेरे भाई जा चुके सेमीफाइनल में। तो ये हो गए मेरे भाई दो चीजें। अगर अपने एक जो अपने यश थे मेरे भाई, यश यश अपने क्वालिफिकेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल के लिए मेरे भाई, तो यार वो अपने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये अपनी कहानी मेरे भाई। अगर अपने सेमीफाइनल मैच दीपक पुनिया के और भी और कौन सा अपना विकी का अपना सेमीफाइनल मैच अभी होगा या ब्रो, अभी आज भी उनके क्या उनके रेपीचार्ज भी मैचेस भी अभी होने वाले भैया मेरे भाई, तो यार रेपीचार्ज मैचेस भी आज ही होने वाले हैं। मैं 3 दिन ताजमहल घूमने जा रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छी बात है भाई। हु इज द बीसीसीआई फुटबॉल आई वंडर भाई, हु इज द बीसीसीआई फुटबॉल, वन फुटबॉल फेडरेशन हु आई विल हैव करेज टू रीसेट फीफा, वन फुटबॉल फेडरेशन हु विल हैव करेज टू। और मुझे यूरोपियन यूरोपियन तो मेरे भाई अभी तो अगर आप देखोगे यार ज्यादा तो यूरोपियन ही हैंडल करती है ब्रो, यूरोपियन ही हैंडल करती है फीफा को मेरे भाई। तो यार इंडिया सिर्फ एक गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, या ब्रो एक ही अपना मेडल है मेरे भाई, एक ही गोल्ड मेडल मेडल है मेरे भाई। तो यार सिर्फ नहीं बोल सकते एक, तो या ब्रो एक मेडल तो है ना मेरे भाई, एक मेडल तो है। एंड गाइस प्लीज लाइक दोस्तों, 12-13 लाइक दोस्तों हो चुके, तो गाइस प्लीज यार हम गाइस 50 50 थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, 20 लाइक तक अगर अगर हम पहुंचेंगे तो मजा आएगा दोस्तों, 20 लाइक तक अगर पहुंच जाएंगे तो। या तू अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है रे मेरे भाई, यार आप इसमें आप मेरी इज्जत निकाल रहे हो, फिर आप अमिताभ बच्चन की इज्जत निकाल रहे हो ब्रो, इसमें आप मेरी। अरे मेरे भाई 25 सेकंड बचे मेरे भाई, अभी 25 मिनट बचे हैं। सी एशियन गेम 22 वेन्यू ऑन सी एशियन गेम 22 वेन्यू, ओके उसका मुझे लिंक भेजो ना मेरे भाई लिंक। अरे लिंक तो मेरा वर्क नहीं करेगा, उसका मुझे वीडियो का टाइटल भेजो मेरे भाई, उस वीडियो का टाइटल भेजो मेरे भाई, उस वीडियो का टाइटल भेजो। मैच अपना चालू हो जाएगा अपना मैच 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 ओ मैच चालू। अरे मेरे भाई मैच मैच चालू हो गया यार, मैं क्या है, सॉरी सॉरी गाइस अपना मैच हो चुका है चालू यार विकी दोस्तों। एक मिनट दोस्तों मिस हो गया गाइस, अपना एक मिनट का मैच मिस हो गया, कोई नहीं ठीक है कोई नहीं। विकी कम ऑन विकी, चल मेरे भाई रेड को भी पैसिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से, या रेड हैज बीन गिवन टू अ पैसिव गाइस, अभी उसको पैसिविटीज अब उसको गाइस पैसिविटी डिक्लेयर कर दिया भाई लोग, तो यार ठीक है। नाउ 30 सेकंड के अंदर उसको गाइस स्कोर करना है, 30 सेकंड के अंदर देखते क्या होता है। आंखों में उंगली लग गई उसकी, और आई थी तो आंखों में उंगली लग गई यार, तो यार भाई लोग खून आ रहा है, खून आ रहा है दोस्तों। चलो अभी अपना अब ब्लीडिंग टाइम दोस्तों, ब्लीडिंग टाइम दोस्तों भी यूज होगा, ब्लीडिंग टाइम देखते भाई लोग भी होता है क्या, लेट्स सी लेट्स सी, देखते दोस्तों विकी अभी करता क्या है, दोस्तों विकी अभी करता क्या है, होप फॉर द बेस्ट। विकी का दोस्तों मैच अभी हो चुका है चालू दोस्तों, विकी का मैच हो चुका है चालू यार दोस्तों, देखते भी होता है क्या। मिहिर मिहिर तेरी बात को कोई मानता है ना, 20 लाइक नहीं करेगा कोई, अरे नहीं यार 14 लाइक भी मेरे लिए बहुत है ब्रो, कोई नहीं। तो यार एक सेकंड अभी आपके कमेंट उसमें बाद में पढ़ूंगा बिकॉज अभी थोड़ा मैच में फोकस करें, तो यार दोस्तों कमेंट आपके दोस्तों बाद में पढ़े जाएंगे, टेंशन ना लो दोस्तों आप, बिकॉज अभी मैच अभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है, पर दोस्तों मैच थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार गाइस आपके कमेंट पढ़ूंगा मैं, बट ब्रेक के बाद दोस्तों, इस मैच के ब्रेक के बाद जो दोस्तों 4 मिनट 22 सेकंड दोस्तों बचा है, लेट्स सी देखते क्या होता है। 12 सेकंड लेफ्ट अभी अपने पैसिव टाइम दोस्तों भी खत्म होता हुआ, अगर दोस्तों अभी विकी दोस्तों यहाँ पे स्कोर नहीं करेंगे यार, तो अभी अपने मंगोलिया के प्लेयर को पहला पॉइंट मिल जाएगा, और पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया दोस्तों मंगोलियन प्लेयर को यार दोस्तों, पहला टेक्निकल पॉइंट दोस्तों भी मिल जाएगा दोस्तों। विकी विकी कम ऑन विकी, तो दोस्तों अभी 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 हमने 4 मिनट का दोस्तों समय बचा, अभी 4 मिनट का समय बचा है, देखते क्या होता है, लेट्स सी। कम ऑन विकी, कम ऑन विकी, विकी मेरे भाई, कम ऑन विकी मेरे भाई, विकी मेरे भाई कम ऑन, देखते हैं अभी विकी क्या करता है। He's trying his hard, he's trying his luck hard. और भी है नहीं, ये गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिरा दिया पे, ओ हो 4 पॉइंट या 2 पॉइंट, चार या दो पॉइंट देखते देखते अभी अंपायर का हाथ भी नहीं, मेरे ख्याल से 4 पॉइंट का मूव है, मेरे ख्याल से 4 पॉइंट का ही मूव था दोस्तों। और मंगोलिया इज लीडिंग फॉर 5-0 दोस्तों, 5-0 से भी आगे चल रहे मंगोलिया वाले यार, ओ भाई साहब ये क्या देख लिया दोस्तों, ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है। अभी शूज की कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से, अभी शूज की कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है क्या विनर, या मैं वही बोला यार, एक सेकंड अभी सेंटर में उनको आने के बोला है, ठीक है
सेंटर में भी आने को बोला, चैलेंज ओके चैलेंज मांगा, ओके उसे भी चैलेंज मांगा है, विकी ने उसे भी चैलेंज मांगा, देखते भी इस चैलेंज सक्सेसफुल होता है कि नहीं, लेट्स सी, होप दोस्तों ये चैलेंज सक्सेसफुल हो जाए यार। तो दोस्तों अभी चैलेंज आ चुका है, तो थोड़े आपके कैसे भी कमेंट पढ़ लेंगे हम लोग तो यार। हाँ क्या धकने वाला बाल और बॉल बॉक्स पंत मेरे पापा की स्टाइल करता है, बहुत बड़ा, हार गए चेल्सी बिक गया, या ब्रो चेल्सी फुटबॉल क्लब बिक गया, रिचेस्ट फुटबॉल क्लब फुटबॉल फेडरेशन स्पेन का हो सकता है मेरे भाई, इंग्लैंड भी हो सकता है मेरे भाई, क्या पता है, इंग्लैंड भी हो सकता है ब्रो, व्हाई नॉट, इंग्लैंड भी हो सकता है, स्पेन भी हो सकता है मेरे भाई। फाइनेंस फाइनेंस के बारे में इतना मैंने पढ़ा नहीं मेरे भाई यार, किसका फाइनेंस कैसा है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इंडिया के, कोई नहीं मेरे भाई, कोई नहीं है, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अभी, क्या ही कर सकते हैं, मेडल नहीं मिले तो यार ठीक है। तूने वुमेंस डबल का हाईलाइट्स कम्युनिटी में डाला, ऑफकोर्स मैंने भाई डाला ब्रो, मैंने डाला यार, 0-5 स्कोर तो चला, अभी एक सेकंड इसका रिव्यू का, चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया क्या, ओके चैलेंज चैलेंज गए, चैलेंज दोस्तों हो चुका है डिनाइड, और चैनल चैलेंज जो फेल किया उसका भी और एक पॉइंट मिल जाएगा मंगोलियन प्लेयर को। तो गाइस अभी स्कोर 6-0 चैलेंज फेल कर देना, हम लोगों ने इसके इसके वजह से यार अभी और एक पॉइंट मिलता हुआ इंडिया को, गए तो यार इंडिया को बोलता हूँ मंगोलियन को एक पॉइंट मिलता हुआ, और एक फाउल का भी एक पॉइंट मिलता हुआ, माँ कसम 7-0 एक येलो कार्ड भी मिल जाएगा यार, एक येलो कार्ड भी मिल जाएगा विकी को। अब गए सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए अभी, जो सर मंगोलियन को भी 3 पॉइंट चाहिए टेक्निकल सुपरिटी से जीतने के लिए, देखते क्या होता है। ये वाले हाफ में तो नहीं जीत पाएगा, ये वाले हाफ में तो नहीं जीत पाएगा, बिकॉज अभी अपना हाफ ये खत्म होने आ रहा है, खत्म हो चुका है दूसरी वाला हाफ, बहुत ही बढ़िया 7-0 देखते भी भी होता है क्या। अभी अपना मिड गेम ब्रेक दोस्तों भी आ चुका है, अनदर ब्रॉन्ज मेडल लोडिंग हो, मुझे भी वही लग रहा है मेरे भाई, मुझे भी वही लग रहा है। यश अपोनेंट आउट सोन होता है, या ब्रो मैं भी थोड़ा वही चेक कर रहा था उसके यश का अपोनेंट का क्या सीन है, तो वो मेरे भाई पहुंच नहीं पाया। ओ एक लड़की को, चलो अपना कैसे भी मैच स्टार्ट हो जाएगा, 3-2-1 स्टार्ट, चलो गाइस ठीक है, अभी अपने प्लेयर से भी मैट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है चलो बढ़िया बढ़िया, देखते भाई लोगों भी होता है क्या, लेट्स सी। मद्दी का बत्ती से गायल तू करती से चलता है, ये शेर बोले अपने ही मर्जी से, ना राजनीति में यहाँ सबसे ज्यादा पैसा क्यों है, पब्लिक तो नहीं दिखता पैसे वाला पैसा क्यों है, पब्लिक की सेवा में फिर पैसे वाला नेता क्यों है, मुंबई शहर सबको कम ज्यादा देता क्यों है, कुत्ते ये काटते है भोंकते नहीं, यहाँ पे नाम काम करता है, पुलिस वाला भी बोला बेटा स्टार बहुत हल्के, अपना मैच हो चुका है दोस्तों स्टार्ट अभी, लेट्स सी 2:53 लेफ्ट गाइस, एंड अभी विकी को हैज टू बी कमबैक, उसको कमबैक दोस्तों करना पड़ेगा, देखते क्या होता है, कमऑन विकी कमऑन। 7 पॉइंट की लीड के बाद ना यार कमबैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई, थोड़ा कमबैक करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता मेरे भाई, बट मुश्किल तो हो जाता है। और अभी और एक टेकडाउन की कोशिश यहाँ पे बाहर, चलो गाइस अच्छा हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गिर जाता ना यार तो 2 पॉइंट और मिल जाते, पर अभी थोड़ा टेकडाउन करने में सफल नहीं हो पाया यहाँ पे मंगोलियन प्लेयर, फिर भी उसको एक पॉइंट मिल जाएगा, बिकॉज उसने अपने मैट के बाहर लेके गया था, वो मैट के बाहर लेके गया था, दया गाइस ठीक है। ओ सेकंड, अरे यार सेकंड येलो कार्ड गए, सेकंड येलो कार्ड भी आता हुआ यार, तो येलो कार्ड का भी और एक पॉइंट मिल जाएगा, फाउल का भी और एक पॉइंट मिल जाएगा, तो 9-0 अभी सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए मंगोलियन प्लेयर को ये मैच जीतने के लिए, अगर उसको टेक्निकल सुपरिटी से जीतना है तो देखते भाई लोग अभी होता है क्या, लेट्स सी, कमऑन 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 इंडिया कमऑन, क्या करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कम ऑन, मुश्किल लग रहा है मेरे को भी यार, पैर पकड़ लिए नहीं, ठीक है कम से कम टेक्निकल सुपरिटी से तो मत आता मेरे भाई, अब ये पैरों में पैर डाल दिया पे, अभी एक और पॉइंट मिल जाएगा और 1-2 पॉइंट खत्म दोस्तों, टाटा बाय बाय, वी हैव लॉस्ट द मैच गाइस, 11-0 से दोस्तों मैच हार दिया दोस्तों फ्रॉम गाइस टेक्निकल सुपरिटी, अभी हम दोस्तों अपने विकी खेलेंगे ब्रॉन्ज मेडल मैच में यार, वो होगा दोस्तों दोपहर को, वी हैव लॉस्ट गाइस, वी हैव लॉस्ट यार We have lost, guys. Don't worry, Asian Championship का बदला Asian Games में ले लेंगे अच्छे से. ओके ठीक है. विकी जीतेगा नहीं मेरे भाई, हार गया विकी मेरे भाई, विकी हार गया यार. तो यार ब्रो, you can't say this अथर्व. विकी into bronze medal match. Fuck. विकी lost. दीपक पुनिया का मैच अभी होगा मेरे भाई. दीपक तो अपना वन साइडेडली हार गया मेरे भाई, वन साइडेडली हार गया ब्रो, तो यार हाँ ठीक है ठीक है चलो अ
पिछले इसमें हमारे सिर्फ 5 गोल्ड मेडल थे, तो इसमें हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है मेरे भाई। हम तो डीप कर रहे हैं मेरे भाई यार, हम थोड़ा डीप कर रहे हैं, थोड़ा हमारी परफॉर्मेंस मेरे भाई नीचे आ चुकी है मेरे भाई। अथर्व भाई के शब्द तो मेरे भाई थोड़े खराब होंगे यार, उनके भाई शब्द तो खराब होंगे, बट उनका जो कहने का जो उनके कहने की फीलिंग है मेरे भाई वो मैं समझ सकता हूँ यार। उनके भले छोड़े शब्द खराब है मेरे भाई जो उन्होंने बोला ब्रो, चोकर विकर, बट ब्रो तो अगर हमको पिछले बार हमको 5 गोल्ड मेडल मिले थे मेरे भाई, तो इस बार हमारी परफॉर्मेंस मेरे नीचे आ चुकी यार। तो यार ब्रो एंड इट इज नॉट गुड मेरे भाई, इट्स नॉट गुड। वन बैड टूर्नामेंट हो, मैं भी चाहता हूँ मेरे भाई ये एक ही बैड टूर्नामेंट हो मेरे भाई, तो या हो मेरे भाई कि ये अपना एक ही बैड टूर्नामेंट हो मेरे भाई। चोकर बिकर मेरे भाई इज नॉट, वो सूट नहीं करता मेरे भाई, चोकर बिकर बोलना मेरे भाई, तो यार ठीक है चोकर, देखो चोकर इज नॉट एट बैड वर्ड यार, चोकर वर्ड इतना बैड वर्ड भी नहीं मेरे भाई, पर लोगों ने इसको बैड बना दिया ब्रो, उसको थोड़ा लोगों ने बैड बना दिया है। एक सेकंड अपना दीपक पुनिया का दोस्तों, भी अगला मैच होने वाला है कोरिया और इंडिया के बीच में, एक सेकंड मैट बी में होगा, मैट बी में मैच होगा ठीक है, मैट बी में। तो यार ब्रो ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। विराट कोहली तो मेरे भाई नहीं यार, विराट कोहली तो मेरे भाई चोक कोहली नहीं मेरे भाई, उसने यार उसने भाई ज्ञान गेमिंग को जानते हो, ज्ञान गेमिंग नाम सुना है मेरे भाई, नाम सुना है। वाई ब्रो वाई, ओके आई टेक माय वर्ड्स बैक देन, ठीक है ब्रो। विराट कोहली वाला इट्स नॉट गुड यार, विराट कोहली भाई उसने बहुत कुछ किया मेरे भाई, उसने बहुत कुछ किया मेरे भाई विराट कोहली ने, ठीक है। अभी उसका फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है 1-2 साल से, बट ओ बड़े को आगे ले छोटे, ओ मगज में आगे ले छोटे, उसके छोटा छोटे। इंडिया के टुडे 11 फाइनल है या ब्रो, अपने 11 फाइनल होने वाले मेरे भाई, तो या देखेंगे हम लोग भाई। आपने इंडियन प्लेयर बहुत नॉन सीरियस है, 11-0 से हारने के बाद भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना के अपलोड करते हैं, 2-3 रेसलर को छोड़ छोड़ देते हैं, बाकी सबसे घूम जाते हैं। नो कमेंट्स इसके ऊपर मेरे, नो कमेंट्स भाई इसके ऊपर, नो रिप्लाई मेरे भाई, नो रिप्लाई, क्या बोलोगे इसके ऊपर मेरे भाई। मैं रील्स बनाना इज नॉट एट बैड यार, रील्स बनाना इज नॉट नॉट बैड मेरे भाई, बिकॉज वो भी एक वो भी इंसान ही ना मेरे भाई, वो भी इंसान ही है ब्रो, तो यार उनको भी इंजॉय करने का हक है मेरे भाई। दीपक पुनिया मैच इन मैट भी, या ब्रो अभी अभी टाइम है मेरे, अभी टाइम है यार, अभी टाइम है ब्रो, टाइम है अभी भी, बिकॉज अभी तो अभी तो अपने प्लेयर भी अंदर नहीं आए मेरे भाई, अपने प्लेयर भी अंदर नहीं आए मेरे भाई, तो यार मैंने तो वही विंडो खोल के रखा है। नहीं नहीं मैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आपको लिंक तो मेरे को दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला ये लिंक वर्क नहीं करेगी मेरे भाई, ये लिंक वर्क नहीं करेगी, इसको मैं कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर या एक सॉरी इसको मैं कॉपी कर देता हूँ मेरे भाई, तो कॉपी करने का मेरे भाई चल जाए तो ठीक है। हाँ अभी मिला मेरे को, अभी मिला मेरे भाई, अभी मिला, यही है क्या मेरे भाई, यही है क्या, यही है क्या मेरे भाई, यही है क्या, हाँ मिला मिला, रोड टू गुआंगजू, ओके ठीक है, इसको मैं सेव टू वॉच लेटर कर देता हूँ, इसको मैं सेव टू वॉच लेटर कर देता हूँ। कम ऑन दीपक पुनिया, यू आर आर लास्ट होप, व्हाई दे डोंट एंजॉय वन लॉस, अरे थोड़ा हारना तो हारना जीतना तो चलता रहता है मेरे भाई, हारना जीता तो चलता रहता है। चलो अगर दीपक पुनिया का दोस्तों भी मैच देख लेते हैं, दीपक जो पुनिया और किम देखते हैं अभी दोस्तों होता है क्या, लेट्स सी व्हाट डस किम यार, किम अभी देखते हैं दीपक पुनिया क्या करता है।